शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं खुश रह सकता मैं। ये हंसी हमेशा रखना। फिक्स मैडम फिक्स। अबे ऐसी लड़कियों पे भरोसा नहीं करती, वो दिन में किसी और के साथ होती है और रात में किसी और के साथ, समझा? नमस्कार, मैं हूं आपका मुरली। लोग बदल जाते हैं पर राजा कभी नहीं बदलता, ये बात मुझे एक लड़के ने बताई थी। ये उसी की कहानी है, उसकी जिंदगी में हुई एक सच्ची घटना। जीवन, जीवन का महत्व क्या है ये उसने बताया। उसका नाम है अशोक। अशोक अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। अब इसके आगे की कहानी वही बताएगा और आप लोगों के साथ मैं भी देखूंगा। आराम से जाना अंकिता। हाँ हाँ ठीक है। वाटर बॉटल लिया ना? मम्मी ले लिया। इसे देखो, रोज इसी टाइम पे जाती है और शाम को लेट आती है, पता नहीं किससे मिलने जाती है। आ गई बेटा, मेरी बच्ची बहुत ही संस्कारी है। छोटे देख तेरी बहन आ रही है। अबे बहन होगी तेरी, मैं तो इससे प्यार करता हूँ यार। बेटा कॉलेज के टाइम से मैं इस पे लाइन मार रहा हूँ। ऐसा क्या? लेकिन आज तक इसने मुझे कभी भाव ही नहीं दिया। एक ही बार बेटा, बस एक बार आंखों में आंखें डाल के देखेगी तो पटा लूंगा। सर ही नहीं उठा रही है। बस स्टैंड पर रुके रहेंगे ना तो ये नाटक करती रहेगी। रुको 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 रुको, स्टैंड आ गया, नीचे उतरो। सारे लफंगे इसके पीछे। ए, 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 लाइन से जाओ, लाइन से जाओ। लेडीज वेडीज देखते ही नहीं हो? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्सक्यूज मी, टिकट पास? हाँ तो दिखाओ ना। कितनी सुंदर है। हाँ ये क्या है? फोटो में अलग दिख रही हो, सामने से अलग दिख रही हो, ये क्या है? हाँ किस कॉलेज में हो? अजया। सिक्स ब्लॉक की फोर्थ ब्लॉक? फोर्थ ब्लॉक। करेक्ट करके मेंशन कर देना, चेकिंग करने वाले आएंगे तो मेरे गले में पड़ जाएगा। मेरी बात समझ गई ना? चलता हूँ। ए अंकिता, तुम्हारी हाइट कम है इसीलिए तुम पीछे मत बैठो, आगे आ जाओ। सर मैं यही कंफर्टेबल हूँ। अरे मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, आगे आ जाओ। हर रोज घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। लोग गंदी नजर से देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। सामने वाले को बुरा लगेगा उसके बारे में सोचते भी नहीं है। मेरी जैसी कितनी लड़कियां होगी जो हर दिन ये तकलीफ उठाती होगी। कोई बोलने वाला नहीं है इसलिए उनकी हरकतें बढ़ती जाती है। मैं पापा से इनके बारे में कहना चाहती हूँ पर पापा की उम्र हो गई है, उन्हें कैसे कहूँ? मम्मी से कहूंगी तो मम्मी कॉलेज ही बंद करवा देगी। काश मेरा एक बड़ा भाई होता तो वो इन सब गुंडों को अच्छा मजा चखाता। इतना सब सोचने के बाद ऐसा लगता है काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता जो मेरी केयर करता, उन गुंडों से फाइट करता। अरे सुनना, उधर बैठी है वही है वो। अच्छा यही है बेटा, तभी मैं सोचूं तू उसके पीछे पागल क्यों है। अभी तू जाके बात करेगा या मैं जाके करूं? तुम लोगों को मैंने मेरी सेटिंग के लिए बुलाया है, अपनी सेटिंग मत करो। अरे ठीक है शांत हो जा। ए अंकिता। अरे भाई तू उसे बुला रहा है, वो तेरी तरफ देख भी नहीं रही है। अरे उसको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए उठ के जा रही है। ए रुक जा रे। हेलो तू ठीक नहीं कर रहा है, वो मेरी है। ए कूल भाई कूल, क्यों इतना भड़क रहा है? हम लोग फ्रेंड्स हैं यार, आराम से आराम से। रुकना, किधर जा रही है? फ्रेश होके आता हूँ फिर घूमने चलते हैं। काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता, अगर होता ना तो ये सब ऐसे बातें नहीं करते, और अगर बात भी करते तो मेरा बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़ता नहीं। इसके सामने कोई भी टिकता नहीं, इसके डर से डर भी कांप जाता है, इसके सामने हवाएं भी रुख मोड़ लेती है, इसकी परछाई से दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं, इस कहानी का असली हीरो यही है। कैमरामैन परमेश्वर फॉलो मी। एक बुरा खंभा मारा और पूरे शहर को राउंड भी मारा, आगे थोड़ी झपकी दे रही है और बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ रहा है, पौवा मारना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी घूम रही है भाई, बेवड़े लोग पहले के सही बोलते थे, अगर पीना है ना तो फुलटू पीने का, ऐसा एक गद खंभे में कुछ नहीं होता है।
अरे देखो यार मेरे भाई लोग कैसे आराम से पी रहे ले। ये गणपत चल दारू ला। शिंदे भाव के पास काम करता हूँ, महीने का 25,000 कमाता हूँ और एक ही दिन में उसको उड़ा भी देता हूँ, क्योंकि शौक बड़ी चीज है भाई। 15 साल पहले बुढ़ा बुढ़ी छोड़ के चले गए, अरे मतलब ऊपर चले गए। उसके बाद शिंदे भाव भी अपना फादर है और गॉड फादर भी। सुख दुख बांटने के लिए 4 फ्रेंड है अपुन के पास में, उनका अपुन दुख लेता है, वो अपुन का सुख लेता है। 1 महीना हुआ अपुन ने दाढ़ी भी नहीं बनाया, ना ब्रश किया, कॉफी भी नहीं पिया और ठीक से खाना भी नहीं खाया। 1 महीने से वही कपड़ा पहन के चल रहा है अपना काम, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं ना, अगर माँ होती तो पूछती। कभी कभी सोचता हूँ कि एक आध गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगी तो केयर करेगी ना। अरे भाई कौन है वो एड़ा, अकेले बैठ कर खुद से ही बातें कर रहा है? हाँ खजूर, अपन तो एड़ा है मगर तू कौन है? बच्चा है, जाने दो। अपन तो बच्चा ही है, तो क्या हुआ? पक्का हाफ मेंटल है। अरे हाफ मेंटल नहीं टकलो, फुल टू मेंटल हो। अरे क्या टकलो, अचार है क्या तेरे पास? अरे ये क्या, खाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रही और तू यहाँ अचार पूछ रहा है? चल जा जा जा, नहीं है। अरे बस क्या टकलो, नहीं देना है तो मत दे, इतना गाय को इंसल्ट कर रहा है। हाँ अरे शक्ल से तो बहुत भोला लग रहा है, हाँ लेकिन है नहीं। बस क्या अंकल, अचार मांगा है जान नहीं। देख गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, चल जा जा। अरे जा। अरे ये टोपी पहन ले, तेरी उजड़ी हुई रियासत दिख रही है हमें। अरे पूरे गांव वालों को मैं टोपी पहनाता हूँ, तू मुझे टोपी पहनाएगा? अरे बुढ़ो तेरी एज कितनी है? 48 ईयर्स नॉट आउट। और माँ बाप? सब है नॉट आउट, मस्त। क्या बात है टकलू, तू 50 तक तो हो गया है, तेरे मम्मी पापा भी 75 तक तो हो ही गए होंगे, इतनी उम्र तक वो जिंदा है, बहुत नसीब वाला है। यस यस। बुढ़ो तेरी शादी हो गई क्या? अरे शादी भी हुई है, बच्चे भी हुए हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और कुछ जानना है? मतलब तू जो तेरे दो। बुढ़ो तेरे पास बाइक है क्या? हाँ बाइक है। कार है? हाँ है ना कार, ये देखो चाबी, देखो पार्क करके आया हूँ। तेरा खुद का घर है क्या? अरे एक नहीं 5 घर है, सब भाड़े पर चढ़ाया है मैंने। हाँ सब तो गांव में जमीन भी बहुत होगी। अरे बहुत जमीन है यार, आधा गांव मेरा ही है। तो रिश्ता पक्का। तू सारी डिटेल्स मुझसे क्यों ले रहा है, क्या चाहिए तुझे? अरे मैं तेरे लड़की से शादी करना चाहता हूँ। छोटा दिखता है लेकिन दिमाग बहुत चला रहा है, मारो इसे। पुरानी मशीन, बैठ जा, पुर्जे ढीले हो जाएंगे भाई। माँ बाप बेबी बच्चे कार बाइक सब कुछ है। कौन रहे? मुझसे हिसाब क्यों मांग रहा है? हेलो ऑल ओल्ड मशीन, प्लीज टेक योर सीट। सभी को बताता हूँ क्यों मारा है। सब बैठ जाओ बैठ जाओ, बोला ना। hey, तुमने मुझे क्यों मारा पहले ये बताओ। माँ बाप बीवी बच्चे गाड़ी बंगला भाई, गांव में इतनी सारी जमीन, अरे बाप रे बाप, फिर भी दारू पी रहा है? अरे टकले मेरे पास माँ नहीं, बाप नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, मुझे कितना टेंशन लेना चाहिए? अरे मैं तो उधर छुपचाप बैठ के दारू पी रहा था, तूने तो मुझे यहाँ बुला के दिमाग का दही किया। अरे अच्छा नहीं तो सीधा बोल लेगा ना, भाषण क्यों सुना रहा है? बात करता है टकलू, ज्ञान दे रहा है मेरे को भाई लोग, आज का तो दिन ही खराब है। अरे जय हो राम बाबा, जय हो परमेश्वर, फॉलो मी। अरे आगे किधर जा रहा है भाई? पीछे पीछे पीछे, गो गो वेरी गुड। कहानी की शुरुआत अभी इधर से होएगी। 6 महीने पहले अपुन के साथ एक घटना घटी थी, इतना डिटेल बताने का अभी अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है अपुन वो सीन रिक्रिएट करके बताएगा। अभी थोड़ी देर में इस रास्ते से एक लड़की दौड़ते हुए आएगी, जिसके पीछे 4-5 गुंडे हो गए, और वो कहेगी बचाओ बचाओ बचाओ। अभी वो भाग के आएगी और मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी, उसके चेहरे पे डर दिख रहा है और डर के मारे उसकी सांसें फूल रही है और वो कांप भी रही है। अब वो उसका हाथ मेरे कंधे पे रखेगी, अब उसने छू लिया है, अब चाहे कोई भी आ जाए मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज
मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। डोंट वरी मैडम, सीन और सिचुएशन आप उनको सब पता चल गई है। तीन गुंडे लोग आपके पीछे आ गए हैं आपको छेड़ने के लिए। खाली तीन ही लोग हैं, उन लोग को तो मैं आराम से टपकाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके आप थोड़ा साइड में आ जाओ। स्टूपिड लोफर रास्कल्स, थ्री इडियट। बाप रे ये तो 10 है, देखो कैसे भगाता हूँ। मैडम भागो भागो मैडम, क्या दूसरी लियो, हमको बहुत मारेंगे। चलो भागो, अरे मार मार के ये मेरा कीमा बना देंगे। अरे भागो मैडम भागो, क्या सोच रही हो, अरे भागो। अरे इतने रात को तुम किधर घूम रही हो मैडम, ये कोई टाइम है? आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था और मैं नहीं जाने वाली थी, पर दोस्त जबरदस्ती करके लेके गए। मुझे वहाँ से निकलते निकलते लेट हो गया और वहाँ से आते समय कोई ऑटो भी नहीं मिली। वैसे भी हर रोज कॉलेज से घर आते वक्त ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते रहते हैं, हर रोज फॉलो करते हैं। अरे रोना बंद करो मैडम, आप जैसी सुंदर लड़की के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मैडम। अरे इतने मासूम चेहरे पे तो मुस्कुराहट होनी चाहिए, आंसू नहीं होने चाहिए। आप खाली मेरे को इतना बताओ कि आपको किसने छेड़ा? वो जो ब्लू शर्ट में है ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है। ऐसे करूंगा वैसे करूंगा कहकर डराते रहता है। प्लीज सर हेल्प मी, सर प्लीज हेल्प मी सर। ओके मैडम, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मारूंगा, खाली एक कंडीशन है, अगर मैं उनको पीटूंगा तो कोई बात नहीं, अगर इन केस वो लोग मुझे पीटेंगे तो आप पलट के नहीं देखोगे। इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपको, समझ गए ना? अगर आपने देख लिया ना तो बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी ना, जो बोला समझ गए ना? गुड गर्ल, आ जाओ उस बेंच पे जाके बैठ जाओ और इन लोगों की मैं कैसी वाट लगाता हूँ वो देखो, ठीक है ना? अपन कौन है, क्या है, बीच में क्यों आया है, ये तुम लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो पूछो कि मैं कौन हूँ। एक धासु पंच डायलॉग मारूंगा, जल्दी पूछो कौन हूँ मैं। अरे कौन है तू? भगवान, भगवान, भगवान है ये। कहाँ का भगवान है रे तू? सबको संभालने वाला, गरीबों का मसीहा, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला जंगल का शेर हूँ मैं, इस शहर का राजा हूँ मैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि जो सच्चा ईमानदार होता है वही भगवान होता है, और मैं वही भगवान हूँ, समझे? इतने जोर से फटके दूंगा मुझे भी नहीं पता था, ऐसे ही मारता रहूंगा तो रजनीकांत बन जाऊंगा।
टिंगरी तू। अबे तू कहाँ जा रहा है? सर, सर, अकेली लड़की को छेड़ता है, अब हीरो बनता है? सर सर मैं आपका फ्रेंड हूँ सर। अबे तेरे जैसा फ्रेंड बनाने के लिए अपन का दिमाग खसका है क्या? फेसबुक पे सर। अबे झंडू आज ही घर जाके तेरे को अनफ्रेंड करता हूँ तेरी। सुबह ही आपके फोटो को लाइक किया सर। अबे तुम्हारे जैसे लोग सोशल मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। सॉरी बोल उसको दीदी। अकेली लड़की को छेड़ता है। दीदी बोल बोल सॉरी। दीदी माफ कर दो दीदी। मार खाने के बाद पहन आना। अकेली लड़की देख के छेड़ते हो और मार खाने के बाद दीदी याद आती है तुम लोग को? आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं आ रहा। पानी पिला के आपने मुझ पे बहुत उपकार किया मैडम। मैडम वो टाइट होके फाइट करके फुल दिमाग घूम गया मैडम। आपको बुलेट चलाने आती है क्या? आप बुलेट चला के मुझे अपने घर तक ड्रॉप कर दो ना मैडम। चलिए ना प्लीज मैडम, बाद में आप घर पे लेके जाओ, सुबह मैं कलेक्ट कर लूंगा। सर मैं लड़की हूँ सर। मैंने कब नहीं बोला, इसीलिए तो वो लोग आपका पीछा कर रहे थे ना मैडम। नहीं मेरा मतलब है मुझे बुलेट चलाना नहीं आता। अरे क्या मैडम, आजकल की लड़कियाँ ट्रक बस प्लेन सब कुछ चला लेती है, गांव की लड़कियाँ ट्रैक्टर चला के खेती करती है, और आप भी। मैडम आप बुलेट चलाइए, नहीं आती तो मैं सिखाता हूँ आपको, मैं सिखाऊंगा ना आपको बुलेट। और मैडम इधर जो भी लफड़ा हो गया ना वो घर पे नहीं बताने का, घर वाले टेंशन लेते हैं। आराम से घर जाइए। ऑटो। क्या बात है, आपने ऑटो बुलाया और ऑटो फौरन आ गया। अरे शंकर का सर्कल है मैडम। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच। हीरो का इंट्रोडक्शन भी हो गया, गुंडे आ गए, पिट के चले भी गए, लड़की आ गई, इम्प्रेस भी हो गई। अब तक अपन जो बोल रहा था वही सब कुछ हो रहा था, और ये वही कहानी है जो बता रहा था, समझे? इनसे मिलिए, इनका नाम है शंकर, शंकर पी बंडे। और इनसे मिलिए, ये है सुनील बाबू, प्यार से लोग इन्हें अन्ना कहते हैं, हाथी का बच्चा है ये। क्या भैरवा कैसा है भाई, शशि कहाँ है? hey, अशोक ओवर एक्टिंग बहुत हो गया, बस कर भाई। बोलो ना क्या काम है? शशि कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मैं उसके पास गया था, भाऊ उसकी तबीयत खराब है, बुखार आया हुआ है, सो रहा है। ऐसा क्या? अरे वो रंग ना चार महीने से ना ही असल दे रहा है ना ब्याज, फोन कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा है, जाके पता कर क्या बात है। भगवान के सामने भगवान आया है, हार दे रहे हैं। मेरे भगवान तुझे किसी की नजर ना लगे, डांस हो जाए। हाँ। बजा रहा है। मेरे घर में जितना भी सामान है बाहर उठा के फेंक दो, समझे? आ जा रहे। रुक जाओ। ये अपने पहचान वाले का घर है, मैं पर्सनली हैंडल करूंगा, आराम से जहाँ से उठाया वहीं पे रख दो, समझे? ये तो गुलाब का फूल बहुत अच्छा है मैडम, सोचा था कि चोरी करके ले जाऊंगा, मगर अभी आपने देख लिया है तो चोरी कैसे कर सकता मैडम। डैडी घर पे है ना? हाँ है। कौन हो बेटा तुम? बेटा तो अब तक हुआ नहीं अंकल। मेरे कहने का मतलब है कि तुम कौन हो? शिंदे का आदमी हो। सुनो एक मिनट बेटा, शिंदे भाव से अभी बात करता हूँ। अंकल आप टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा, आप बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ ना अंकल। अंकिता हाँ? जरा कॉफी बना दो बेटी। मैं शिंदे भाव से खुद ही बात करने वाला था। करने वाले थे, किया नहीं ना। आपको जब तकलीफ होती है तो हमारे पीछे पीछे घूमते हो, और जब काम हो जाता है तो हमें बाहर खड़ा रखते हो। ब्याज के लिए असल के लिए आपके आगे पीछे घूमना पड़ता है, और आप जैसे लोगों की वजह से हम बाकी लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। अरे अंकल इसी वजह से हमारे धंधे की वाट लग रही है, समझे? ये सब ठीक है क्या अंकल? अगले महीने सारे पैसे दे दूंगा बेटा। देखो ना अंकल मैं भी पागल ही हूँ,
आप तकलीफ में थे इसलिए आपने हमसे पैसे लिए। अगर मैं आपसे कहूंगा कि अंकल पैसे दो आप कहां से लौटाओगे अंकल? सही कहा ना। अभी हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपके हिस्से का 3 महीने का ब्याज भर देता हूँ, बाद में आप रिटर्न कर देना, लेकिन अगले महीने से ब्याज टाइम पे भर देना अंकल। भरोगे ना? कैसे होगा बेटा? अरे सब हो जाएगा अंकल, मैं आपकी बेटी को जानता हूँ। और वैसे भी अपन एक फैमिली के जैसे अंकल, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहिए ना, वही चपन कर रहा है। क्या हुआ? तो तुम यहाँ पर मेरे पापा को धमकी देने आए थे? वो तुम्हारे पापा इसलिए छोड़ दिया मैडम। तुम बड़े गुंडे हो क्या? इतना बड़ा भी नहीं, छोटा मोटा गुंडा हो। और वैसे कॉफी बहुत फीकी थी, शुगरलेस थी क्या? लगता है पापा की कॉफी मुझे पिला दी, अगली बार आऊंगा तो मीठी होनी चाहिए तुम्हारी तरह। गुलाब बहुत अच्छा है, अभी तो एक ही है, और आएंगे तो उसमें से एक मुझे दे देना। चलो चलता हूँ। ए भाई लोग, ये अपने पहचान का घर है, आज के बाद इधर वसूली करने के लिए आने का नहीं, समझा ना? आया ना तो तू खर्च हो जाएगा। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा ससुराल है। अरे तेरे को जितना बोला उतना करना, दिमाग मत चला, गाड़ी स्टार्ट कर, चल। भाई कॉलेज में सीनियर्स बहुत परेशान करते हैं भाई, मेरे गर्लफ्रेंड को भी छेड़ते हैं भाई। क्या रे, तू बच्चा है क्या? सच्ची बहुत परेशान करते हैं भाई, एक बार आके देखो ना। ठीक है तू जा, मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई। ना कोई शिंदे भाऊ रहेगा ना कोई और रहेगा, अगर पुराने लोग भाईगिरी करते रहेंगे तो अपन क्या करेंगे? घास मिलेंगे। ए अशोक, वो मुत्तू कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, जा देख उसे। तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, समझ ले, आज के बाद से उसका नाम लेना छोड़ दे, समझा? मुत्तू, आज के बाद से सिर्फ मुत्तू। इतना बड़ा गुंडा हो गया कि वो मुझे ही धमकी दे रहा है। शिंदे भाव, शिंदे भाव, शिंदे भाव था। शिंदे भाव से पहले उस अशोक को मारना होगा। मेरे एरिया में सबके सामने मेरा एक कॉलर पकड़ के मुझे मारता है, और मैं मुत्तू सबको सहता रहता यार। शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर, मरेगा नहीं जल्दी। आज इस शैतान की शैतानी निकाल कर रहूंगा, आने दे इससे, आने दे। तो देख के लग रहा है ये पहले से ही मारने का प्लान करके आया है। आ जा बेटा, आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अब परफेक्ट है क्या? अशोक आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? अपन इधर से ही जा रहा था, देखा कि तुम अपन के बारे में कुछ बात कर रहे, सोचा कि तेरे को अच्छा सा दिमाग देखे जाओ, इसलिए बुलेट वहाँ खड़ी की और बात करने आया। क्या अशोक, अरे तेरे बारे में कोई क्या बात करेगा, ये ले, ये एक पैक ले, ले, ले। भाई कभी कभी पीना ठीक है, रोज पियो तो गलत है, मगर तेरे जैसा दिन में पियो तो वाट ही लग जाएगी, समझा? सुन 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 क्या बोल रहे हो अशोक भाई। अशोक भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बैग नहीं तो एक सिगरेट ही पी लो अशोक भाई। नहीं चाहिए, मेरा ब्रांड मेरे पास है। कोई बात नहीं भाई, आप अपनी ब्रांड पियो, मैं आपकी सिगरेट जला देता हूँ, ये लीजिए। अबे कुछ तो सीख इनसे थे भाई, कभी आराम भी किया करो। आराम, अगर आराम करूंगा तो मैं भी तेरे जैसा निकम्मा बन जाऊंगा। क्या भाई, हम आपको निकम्मे दिखते हैं क्या भाई? क्या बोल रहा है, तेरे बारे में तुझे नहीं पता क्या? मुझे पता है लेकिन तुझे नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। ए! ए! मैंने सुना है कि पूरे शहर में तू ढिंढोरा पीट रहा है कि तू शिंदे भाई को मारेगा। अरे शिंदे भाई पुराना धंधा छोड़ के आराम से बिजनेस कर रहा है, तो तू खामखा उनके बिजनेस में टांग क्यों अड़ा रहा है? शिंदे भाई जैसे अच्छे इंसान को मारने की तूने अगर सोची भी ना, सोच ले, तेरी ही मौत की खबर के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दूंगा। ये बात ध्यान में रखना। हाँ
हेलो बॉस, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, तो 10 मिनट में मिलते हैं। तुमने देख लिया, मैं तो चुपके चुपके तुम्हें फॉलो कर रहा था। सॉरी, पर मैं 4-5 किलोमीटर नहीं जा रही हूँ, मैं यही जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड का घर यही है। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं वहाँ तक तो आ सकता हूँ ना। अशोक रामदास देसाई। तो अशोक नाम है? हाँ। मेरा नाम है अंकिता अंता। अंता तुम्हारा सरनेम है क्या? नहीं नहीं, अंकिता मतलब अंता मेरा पेट नेम है। ओह ऐसा क्या? अंता अंता अंता। ओह क्या बात है, बढ़िया नाम है। हाँ, अंता आज बुलेट नहीं है? अरे वो मेरी बुलेट तो सुबह पंचर हो गई मैडम। ओह अच्छा। लगता है अभी भी पंचर बना के आ रहा है। और बोलिए। तुम ही बोलो। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ मैंने कर लिया, आज तो मैंने ही बनाया था। तुमने कर लिया? हाँ मैंने भी कर लिया है, हमारी एक मौसी है बहुत बढ़िया बनाती है। और बोलो। और तुम ही बोलो ना। और बोलो और बोलो और बोलो, आखिर मैं क्या बोलूं? मैंने सुना था कि लड़कियां बहुत ज्यादा बोलती हैं, मगर ये लड़की है कि मुझे ही बोल रही है कि और बोलो, मैं आखिर क्या बोलूं इसे। गॉड इज ग्रेट। और बोलो। क्या भाई, अशोक इतना उदास बैठा है? क्या पता है क्यों उदास बैठा है, चल ना अपन गेम खेलते हैं, चल। शो। फिर लग गई मेरी। ए रो मत, मेरे से उधारी लेके खेल ले। ए अपनी उधारी अपने पास रख। मुझे। ए अशोक आना एक गेम खेलते हैं। ए गेंडे, मुझे सब कुछ आता है लेकिन बेटिंग और जुआ मैंने लाइफ में नहीं खेला। ए अरे एक हाथ हो जाए यार। नहीं यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। इन लोगों को उधारी दे रहा हूँ फिर भी नहीं खेल रहे हैं। ए अशोक तुमने खाना खा लिया क्या? स्वीट हार्ट बहुत याद आ रही है। अच्छा ये बता, एक दो दिन से तू कुछ कुछ दीवाना सा लग रहा है। अभी सही पॉइंट पकड़ा है तूने। अरे आज मैं सुबह से परेशान हूँ मेरे भाई। प्यार होता है तो दिल में घंटी बजती है क्या? तबले की थाप सुनाई देती है, पता है? थप 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 थप, नहीं सुना? टन 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 टन। अरे यार दोष तेरा नहीं है, तेरी उम्र का है, जानता है? छोटा बच्चा मम्मी मम्मी बोलता है, स्कूल जाके टीचर बोलता है, और बड़ा होके दारू दारू बोलता है। और तेरे जैसे जब लड़की के पीछे भागते हैं तो तबला ही बजता है, और लड़की जब ज्यादा दिमाग में आने लगती है तो तबला और तेज बजने लगता है, समझा क्या? अबे बकवास बंद कर। इतनी सीरियस बात तुम लोगों के साथ डिस्कस करनी नहीं चाहिए, तुम तो बेवकूफ हो। अबे तो क्या करूं, तेरे लिए हार्ट स्पेशलिस्ट का कोर्स करके आऊं क्या? अबे तू जाके चुपचाप सोने का क्या लेगा भाई। तुमने देख लिया, मैं तो चुपके चुपके तुम्हें फॉलो कर रहा था, अब जब देख ही लिया है तो चलो 4-5 किलोमीटर साथ चल ही लेते हैं। अशोक रामदास देसाई। तबला आ गया तुम्हारा, तुम्ही को ढूंढ रही है लगता है, बुलेट के पास भी चली गई, दुकान की तरफ देख भी रही है। क्या अकेली बाइक के पास खड़ी हो, कहीं जाना है क्या? कहो तो कहीं ड्रॉप कर दूं क्या? मैडम नंबर मिलेगा क्या? माँ बाय। अंकिता। हाँ। पानी की बोतल भूल गई बेटा, आराम से जाना। हाँ बाय। अरे यार एक हफ्ते से उसके पीछे लगा हूँ, भाव ही नहीं देती है यार। ए चल भाग, नहीं तो मार पड़ेगी। भाग भाग। यार सुबह से आज कोई लड़की नहीं दिखी यार। ओ देख। अरे देख मत, भाग भाग भाग, निकल यार। टिकट दिखाओ मंजुला। सॉरी मैडम। ए सुनो, कहाँ उतरना आपको? अगले स्टॉप आने वाला है, उठो। अरे कहाँ अगले स्टॉप? आ जाएगा स्टॉप। अरे मुझे उठने क्यों कह रहा है? उठो बोला ना। अरे पागल हो गया क्या तू? मैंने पैसे नहीं दिए हैं। प्लीज बैठिए ना मैडम। चलो टिकट 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 निकालो, टिकट बच गया बाप रे। <laughs> <laughs>
अंकिता हाँ? जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, बारिश आने वाली है बेटा। माँ तारे दिख रहे हैं, बारिश नहीं आएगी। हाँ हाँ ठीक है। मैं आज बहुत खुश हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अंकिता अशोक, आज तो मैं जीत के रहूंगा। कौन है इतने रात को मैसेज कर रहा है? हेलो, कैसे हो? आई एम फाइन। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। खाना खाया? अभी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया अभी तक? मेरी मर्जी। क्या तुम्हारी मर्जी? खाना खाया तो खाया, नहीं तो ऐसे ही सो जाता हूँ। टाइम पर खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ देखो, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। सुनो, ऐसे गुस्सा मत करो। दूसरा ही पैगा यार, दूसरा ही है। कौन है रे जो मुझे मैसेज करके दिमाग खराब कर रहा है? मैसेज वो सब गप का छोड़ दिया। देखो लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कौन है अभी बता दो, नहीं तो। अरे क्या कर रहा है यार अशोक? अभी फोन करता हूँ, अपने आप पता चल जाएगा। डार्लिंग वो दोस्त है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ए कौन है तू? हेलो, मैं अंकिता। हाय मैडम। क्या है कि आपका नंबर सेव नहीं था ना, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं तो आप तो पूछ ही सकती हो। खाना खाया क्या, नाश्ता किया क्या? आपका तो हक है ना मैडम। तो फिर बताओ अभी तक खाना क्यों नहीं खाया तुमने? वो क्या है ना मैडम कि सब दोस्त लोग है ना तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, तो पैकिंग वैकिंग की वजह से लेट हो गया है मैडम। कल सुबह पंचमुखी गणेश मंदिर में आओगे क्या? आप बुलाएगी तो आना ही पड़ेगा ना मैडम। और कुछ मैडम? और बोलिए ना मैडम। जल्दी खाना खा लो और सो जाओ। ओके ठीक है मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट मैडम, स्वीट ड्रीम्स। क्या हुआ, मैसेज वाला मिला? वो सब छोड़ना, मेरा पैक बना। अशोक और अंकिता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे। अंकिता से ज्यादा अशोक को उसके प्यार की जरूरत थी, क्योंकि अंकिता अपने माँ बाप के साथ पली बढ़ी थी और अशोक उसे तो अंकिता में ही अपनी जिंदगी नजर आने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह अशोक अंकिता के आने से पहले मंदिर के बाहर उसका वेट कर रहा था। इंतजार कर रहे हो? बस अभी अभी आया हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि तुम यहाँ सुबह से आए हो। ओके थैंक्स। थैंक्स किस लिए मैडम? मेरी बात मानकर तुम यहाँ आए इसलिए। आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ मैडम, देवी बुलाएगी तो भक्त तो आएगा ना। और क्या चल रहा है मैडम? मैंने एक कविता लिखी है, सुनोगे? हाँ क्यों नहीं, सुनाइए ना मैडम। हाँ। सोच में रहने वाला अक्सर सपनों में आता था, आजकल वो सामने नजर आने लगा है, मेरी जिंदगी में नए रंग भरने लगा। क्या है? बात है, हर पल यूं ही साथ रहे, बस इतनी सी ख्वाहिश है। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा है। हेलो बॉस, मैडम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया मुझे समझ में आ गया, और इनके दिल में क्या है वो भी मुझे पता है। वो क्या है कि डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ रही है, कविता सुना के क्लू दे रही है। अब क्या है कि लड़की है, ऊपर से सुंदर है, उतना हक तो बनता ही है उसका। उसके दिल में जो प्यार है वो उसके होठों पे आ नहीं रहा है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देख के तो छोटी सी बात उसके दिल में है, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के सुनना चाहता हूँ। इस तरह से करोगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें छोड़ के अब बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं ही कब से बोल रही हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे? सेम टू सेम, अरे अपुन का फीलिंग भी तुम्हारे तरह सेम है मैडम, तुम्हारे साथ ही जीने गए। तुम कुछ अपना नहीं बोल सकते क्या?
माँ हमेशा बोलती थी, तू मेरी जान है, तू मेरे दिल का टुकड़ा है। 10 साल के बाद आज फिर वही प्यार, वही अपनापन मुझे महसूस हो रहा है। तुम्हारा प्यार पाके मैं अपनी खुशी को बयां नहीं कर पा रहा हूँ। इन दिनों तुम ही तुम हो, चाहूं तुम्हें मुझ में तुम हो, मसकनी मेरी ना हो कहीं, तू ही दिखे अब हर सू। अरे दिखाई नहीं देता क्या? ए जीजा जी आप, अरे दीदी कैसी है, राखी के दिन घर नहीं आई? निकल निकल। ठीक है चल निकल, जा रहा हूँ मैं। अंकिता और अशोक एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। अशोक अंकिता के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। एक दिन अंकिता का फोन आया, उसने बताया कि वो अपने मम्मी पापा के साथ गांव जा रही है। 1 हफ्ता हो गया अंकिता गांव से नहीं आई। कुछ दिनों के बाद अंकिता का मैसेज आया कि कल दोपहर को तुम मुझे मिलो। कैसी हो तुम? तुम्हें बहुत वेट कराया ना? तुम्हारा वेट नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरा? तुम अगर नहीं भी आती तो भी मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करता, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। सॉरी। अरे सॉरी वोरी छोड़ो, इस ड्रेस में तुम बहुत कमाल लग रही हो। घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। ओह तो ये बात है, गलती से तुमने हाँ तो नहीं बोला ना? नहीं। हाँ वो तो मुझे पता था कि तुम ना ही बोलती, क्योंकि हमारा प्यार बहुत स्ट्रांग है। नहीं वो कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं ना नहीं कह पाई। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें किस तरह एक्सप्लेन करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ए देखो मेरे साथ मजाक मत करो। मैंने अपने मम्मी डैडी से हमारे प्यार के बारे में बात की थी। तुम्हारे माँ बाप नहीं है और कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तुम ढंग का काम नहीं करते, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा नहीं है और हमारी कास्ट भी अलग अलग है। और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे बढ़ी तो वो अपनी जान दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो रोना मत, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप का क्या प्रॉब्लम है? यही ना कि मेरे माँ बाप नहीं है? अरे तुम्हारे माँ बाप को मैं अपने माँ बाप की तरह समझूंगा। अगर उन्हें मेरे दोस्त पसंद नहीं है तो मैं ऐसे दोस्तों को छोड़ दूंगा। क्या करूंगा ऐसे दोस्तों का? अगर उनको मेरा काम पसंद नहीं है तो तुम्हारे लिए मैं सारे धंधे छोड़ दूंगा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारे कास्ट का नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी कास्ट अपना लूंगा। वो जो कुछ भी बोलेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी डैडी ने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो वो जान दे देंगे। बताओ मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्होंने जो लड़का देखा है वो गवर्नमेंट जॉब करता है, वो एक अच्छे घर से है, कोई बुरी आदत नहीं है, वो अच्छा कमाता है, उसके साथ मैं खुश रहूंगी। उसी से शादी करने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं। छोटा मोटा काम करने वाले जिंदगी में खुश नहीं रहते क्या? अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल का सामना जिंदगी में किया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब नहीं करने वाले जिंदगी में खुश नहीं रहते क्या? मेरी मेहनत और तुम्हारा प्यार अगर दोनों साथ हो तो हम हर मुश्किल का जिंदगी में सामना कर सकते हैं। घर पर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। मतलब इतने दिनों से तुम्हारा प्यार झूठ था? मेरा प्यार झूठा नहीं सच्चा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मम्मी डैडी से ज्यादा नहीं। मैं उनका कहा नहीं डाल सकती। मतलब अपुन की जिंदगी की कोई परवाह नहीं तुम्हें? हाँ अरे जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं खुश रह सकता मैं। मेरी मंगनी भी हो चुकी है। रोना बंद करो, आंसू पोंछ लो। मुझे माफ कर दो। तो तुमने मुझसे दूर होने का फैसला कर लिया है ना? मैं तुम्हें कितना भी रोकूंगा तुम नहीं रुकोगी, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते। तो जाओ, मेरी परवाह मत करो, मैं भी तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। जाओ कहा ना जाओ।
अगर तुम्हारा यही प्यार है तो जिंदगी में किसी के साथ प्यार मत करना, किसी के दिल के साथ मत खेलना। और एक बात सुन लो, मेरे लाइफ में दोबारा कभी मत आना और पीछे मुड़ के भी मत देखना। भले ही आज तुम मुझे ठुकरा के जा रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरे प्यार की अहमियत समझ में आएगी तब तुम बहुत पछताओगी। तेरे लिए सुधरने की कोशिश कर रहा था अपन, गलती हो गया अपने से। अपना अपन तेरे से प्यार करेगा और ना ही तेरे याद में आंसू बहाएगा, और ये भी मत सोचना कि तेरे लिए अपन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे आज के बाद अपन तेरा नाम भी नहीं लेगा, भूल जाएगा तेरे को। चल निकल। Yes! तब से ये पियो पियो बोले जा रहा है, कौन सी खुशी में प्ला रहा है पता ही नहीं है। भाई अंकिता मुझे छोड़ के चली गई भाई, खुशी में दारू पी रहे थे, अब दुख में दारू पीना पड़ेगा यार। अबे गेंडे, आज के बाद अपन कैसे जिएगा मुझे नहीं पता मेरे भाई। ये लड़की लोग ऐसे ही होती हैं गुरु, उन पे भरोसा नहीं करना। अरे क्यों मारा? अरे भाई तेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी है क्या? क्यों गुरु? अबे तेरी गर्लफ्रेंड लड़की नहीं है क्या? इसके बाद सुन। अरे भाई लोग अपनी माँ बहन सब लोग अच्छे हैं और बाहर के सभी लड़कियाँ गलत है, ऐसा नहीं बोलने का भाई। अरे लड़की की क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को क्या पता। वैसे भी हमेशा लड़कियाँ ही गलत नहीं बोल रहा भाई। अब आगे से ऐसा कभी नहीं बोलूंगा गुरु। भाई अंकिता को मुझे नहीं छोड़ के जाना चाहिए था भाई, नहीं जाना चाहिए था। बोलते हो धोखा देके गई, कुछ बोलता हूँ तो मारते भी हो, बहुत कंफ्यूजन है। मैं तो जा रहा हूँ गुरु। रुकना भाई, कहाँ जा रहा है तू मुझे छोड़ के? पहले अंकिता चली गई, अब तू भी चला जाएगा क्या? नहीं यार, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड से छोड़ के चली गई। अशोक, अशोक तेरा फोन बज रहा है यार। हेलो अंकिता, अब उनको बताए तुम ही हो, बात करो अंकिता। बात भी नहीं कर रही है। अरे अंकिता, अब यहाँ तक आया हो तो मम्मी पापा से भी मिलवा नहीं, दो। मैं मम्मी को कोई तकलीफ नहीं दे सकती। बाय। ठीक है। बाय। हेलो अंकिता, बात करो अंकिता। हे अशोक, चल उठ जा। अरे क्या है भाव? अरे ये सब क्या है? देख, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। अरे आप नहीं समझोगे भाव। देख भाई, प्यार इंसान को कमजोर बना देता है, इंसान को इससे दूर रहना चाहिए। और तुझे तो एक से बढ़कर एक लड़कियां मिल जाएंगी। अरे सच्चा प्यार था शिंदे भाव। सच्चा प्यार? तो क्या तू उसके लिए अपनी जिंदगी खराब कर लेगा? अरे भाव, अब खराब होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा ना अशोक, तो वो दिन दूर नहीं जब तेरी तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ दिखेगा। काश ये हो जाता। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे देख, ये शिंदे कैसे जीता है। बेटा जिंदगी प्यार तक सीमित नहीं है, अनुभव सिखाता है कि कैसे जीना है, और जिसे जिंदगी जीने का अनुभव है उसी का जीवन सफल है, ये बात समझ ले। तेरी ये हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अशोक। सुन, तू कॉलर उठा के जीने वाला एक शेर दिल इंसान है, चल उठ जा मेरे शेर। इतना ही पैसा भाई? क्या रे भाई, लड़ेगा मुझसे? अशोक, मेरे को पता है तू 24 घंटे एक्शन मोड में रहता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन। चल भोग भोग, जो भी भोगना है भोग। आज तो कुछ नहीं बोलेगा। तू हर बार मेरी एरिया में मेरे को मार के जाता है, मेरी पुंगी बजा के जाता है। तेरी मर्दानगी को सलाम करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी तेरा खून बहा सकता हूँ।
लेकिन कोई फायदा नहीं, लोग बोलेंगे कि मुत्तू ने अशोक को अपने ही एरिया में मार दिया। ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं तेरे एरिया में आकर तेरे को मारूंगा। पब्लिक बोलनी चाहिए कि मुत्तू ने अशोक को दौड़ा दौड़ा के मारा। ये है मेरा स्टाइल। जब मैं गली से गुजरू तो लोग बोलने चाहिए कि मुत्तू आ रहा है, दरवाजा बंद कर लो, एरिया में कर्फ्यू लग जाना चाहिए। यहाँ की पुलिस मेरा नाम सुनकर डर के मारे दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। सारे टीवी न्यूज चैनल पे सिर्फ मेरी न्यूज चलनी चाहिए। रजनीकांत से भी बड़ा मेरा कटा उठाओ। न्यूज चैनल पे एक तरफ तेरी लाश होगी और दूसरी तरफ होगी मेरी फोटो, समझा? ये है मुत्तू, एरिया का डॉन मुत्तू। लगता है अभी तक तू सोया था, अभी नींद से उठा। आजा, तेरी नींद उड़ाता हूँ। आजा इधर आजा, तेरे घमंड को चूर चूर कर दूंगा रे। अपन का हिम्मत है, अपन का घमंड है। अरे तेरा घमंड दो मिनट। आजा आजा आजा। ए अशोक, मैंने पार्टी को प्रॉमिस किया है किसी को मारकर उसे पेमेंट लेनी है, वो मामला प्रोफेशनल है, लेकिन ये पर्सनल। पहले वो काम पूरा करूंगा, फ्री होके मैं तेरे को खत्म करूंगा। अपनी फिर मुलाकात होगी, तब तक जी ले, चलता हूँ। चल रहे, गाड़ी निकाल। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं तो प्योर नॉनवेज हूँ मैडम। और अब? मैं प्योर वेज हूँ। इंसान को वैसे भी क्या खाना क्या नहीं खाना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए मैडम। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मेरी माँ को मैं जितना प्यार करता हूँ उतना ही। अरे क्या हुआ इसे? प्यार में धोखा खाए हो क्या? बहुत प्यार करते थे उसे? हाँ बहुत। पहले प्रपोज किसने किया था? उसी ने। और छोड़ा किसने? उसी ने। उसकी शादी हो गई क्या? हाँ हो गई। लड़की कैसी थी? लड़की अच्छी थी। अभी अच्छी लड़की कहाँ होती है? लेकिन वो थी। तो बुरा कौन है? मैं। तुम्हें पसंद उसी ने किया, तुम्हें प्रपोज भी उसी ने किया, जिंदगी भर साथ निभाने का प्रॉमिस तोड़ के वो चली गई, और अभी भी तुम उस लड़की को अच्छी बोल रहे हो। देखो उसके प्यार में तुम्हारा क्या हाल हो गया है। जितना तुम प्यार करते हो उतना वो भी प्यार करती थी। तुमको छोड़ के जाने वाली वो अच्छे से है, और तुम यहाँ उसकी याद में आंसू बहा रहे हो। ना तो उसने प्यार को समझा, ना ही तुम्हारे भावनाओं की कद्र की। तुमने तो उस लड़की को खुश रखा था ना, तुमने तो उसे दिल से प्यार किया था ना। वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई, ये उसकी बदकिस्मती है। तुमसे अच्छा उसे कोई और लड़का नहीं मिल सकता। दिखने में तुम ठीक ठाक हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है। थैंक्स मैडम। हाँ अभी तो रो रहे थे, अचानक से चेंज हो गए तुम। आपने मुझे समझाया तो मेरी आंखें खुल गई मैडम। ऐसा क्या? आप जो बोल रही है एकदम 100% सही है मैडम। प्यार तो मैंने उससे किया था, मगर वो मेरे प्यार को समझ नहीं सकी, गलती उसकी है ना। अरे वाह। मेरे दोस्त भी मुझे सिंपैथी देकर उसके बारे में बता बता कर मुझे उसकी याद फिर से दिलाते हैं। आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, वही बातें मैं उनको समझाऊंगा मैडम। मैडम आपने तो मेरी सोच ही बदल दी मैडम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आई एम अशोक रामदास देसाई। मेरा नाम अनीता है। ये हंसी हमेशा रखना। फिक्स मैडम, फिक्स। ठीक है मैं चलती हूँ। मैडम चलिए मैडम, ऐसे ही मिलते रहना। हाँ जरूर मिलेंगे। डन मैडम, बाय। प्लीज यार कैसे भी अरेंज करो, मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। हेलो, लगता है मैडम को रुमाल की जरूरत है। ये लो आंसू पोंछ लो। क्या मैडम आपको भी पैर में धोखा मिला है? नहीं, 3 महीने से मैंने घर का किराया नहीं दिया और मकान मालिक ने झगड़ा करके घर खाली करवा दिया। कोई रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं है। फ्रेंड के साथ रूम शेयर करना चाहती हूँ तो वहाँ भी 5,000 मांग रहे हैं।
और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिंदगी में उन्हें तकलीफें उठानी ही पड़ती है। ऐसा लगता है आत्महत्या कर लूं। चलिए कहीं घूमने चलते हैं। अरे आ जाइए ना, बैठिए ना। नमस्कार भाई। कैसा है छोटे? एक मसाला डोसा और एक कॉफी ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें भूख लगी है। ये आपका डोसा। आराम से खाइए मैडम, खाने पीने से एनर्जी मिलती है। और रोने के लिए भी एनर्जी चाहिए मैडम, जब रोना होगा तब रो लेना। पहले अभी खाना खा लो मैडम। अरे क्या मैडम, उस दिन आपने मुझे हिम्मत दी और आज खुद ही रो रही हो। तुम लड़का होके उस दिन रो रहे थे, मैं तो लड़की हूँ, फिर मैं कैसे नहीं रो सकती हूँ। बस यही रोक दो। हाँ, ओके, बस, ओके, बस। ओके। ये पैसे रख लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे अपन को पता है तुमको पैसों की जरूरत है, चुपचाप पैसे रख लो। समझ में आया ना? हाँ। तो ये पैसे रख लो। अपन का फ्रेंड है, उसका साड़ी का शॉप है, वो महीने का 8,000 रुपए देगा, काम करोगे? तुम सिर्फ फाइनेंस का ही काम करते हो या पार्ट टाइम कुछ और भी करते हो? पार्ट टाइम है या फुल टाइम अपन को पता नहीं मैडम, शिंदे भाव जब भी बुलाता है अपन को जाना पड़ता है मैडम। जिंदगी ने अशोक को जीने का एक और मौका दिया। अशोक की जिंदगी में एक बार फिर से वो खुशियां वापस लौट आई जो दूर चली गई थी। अशोक का साथ पाकर अनीता भी बहुत खुश थी। अब दोनों अपना ज्यादा वक्त एक साथ गुजारने लगे। एक दूसरे से बात कर करके दोनों अपने दिल की बात बताते थे और इस तरह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर धीरे धीरे अशोक अंकिता को भूलने लगा, यहाँ तक कि उसकी यादें भी। हेलो हेलो। अरे बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। ये मोबाइल खराब हो गया, आवाज भी नहीं आ रही है। ठीक है मैं चलती हूँ। चलो अपना फोन दिखाओ। फोन खराब हुआ बोला था ना, इसलिए नया फोन लिया तुम्हारे लिए। थैंक यू। ब्यूटीफुल, इसे ट्राई करो तो। शहर में इतनी धूल मिट्टी है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। हाँ तो एक काम क्यों नहीं करते, कार ले लो। वाह क्या आइडिया दिया मैडम, मुझे ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया। एसी में बैठ के जाने में बहुत मजा आएगा। एकदम सही बोला, लोन पे ही लूंगा मगर कार तो ले लूंगा। ओके ओके। अनीता का प्यार पाकर अशोक को अपने सारे दुख दर्दों से मुक्ति मिल गई। वो अनीता को जितना प्यार करता था उससे कहीं ज्यादा प्यार अनीता उससे करती थी। अशोक की खुशी में ही अनीता की खुशी थी। क्या मैडम इतना देर से दरवाजा ठोक रही हो, बेल क्यों नहीं बजा रही हो? सुनाई नहीं दे रहा था, मैं बेल बजा बजा के थक गई। अभी तक सो ही रहे हो क्या? जाओ नहा के आओ। अब लग रहे हो ना हीरो। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? क्यों लाई, किस लिए लाई मत पूछो, तुम्हें ये अच्छा लगा ना? ठीक है जैसा तुम कहो। आज फ्रेंडशिप डे है ना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। आज फ्रेंडशिप डे है क्या? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इस जगह पे कितने साल से रह रहे हो? 4 साल से लाइफ ऐसे ही चल रही थी। हम अच्छा घर देख के वहाँ पे रह सकते हैं ना? क्या बात है, ये तो बहुत ही कमाल की बात कही तुमने। बहुत ही जल्दी एक फ्लैट ले लेता हूँ सामने वाली बिल्डिंग में। ठीक है। हेलो अशोक, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? सुबह मिलो, मैं बताती हूँ सब। अरे अपन नहीं मिल सकता है, जरूरी काम है अपने को। मैंने कहा ना तुम्हें आ रहा होगा। अरे बोला ना नहीं मिल सकता। मैंने कहा आना होगा मतलब आना ही होगा। जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो पहले आगे बढ़ता है और आज अनीता के साथ भी वही हुआ है। अशोक के प्यार ने अनीता की पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत देर से आई हो क्या? नहीं बस अभी आई। वो क्या है कि तुम्हारा गुस्सा देख के पता चल रहा है कि बहुत देर से आई हो। मुझे लगा तुम बुलेट पे आओगे, पर तुम तो ऑटो से आए। गाड़ी को मैंने सर्विसिंग में दिया है। रात में तुमने फोन किया था ना कुछ प्रॉब्लम है बोल के, क्या प्रॉब्लम है? बताती हूँ रुको तो। एक मिनट। इसने अपने को यहाँ क्यों बुलाया मुझे अच्छी तरह से पता है।
क्या बोलने वाली है अच्छी तरह से पता है, पर मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो मुझे तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ऐसा अपने साथ पहले भी हो चुका है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं था। जब से तुम मिले हो मेरी जिंदगी बन गए हो, बिल्कुल नहीं रह सकती, मेरी जान बन गए हो। मैं तुम्हें छोड़ के अब बिल्कुल नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है मुझे। तो फिर चुपचाप क्यों खड़े हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं जिंदगी में कोई मुश्किल घड़ी आई तो तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ दूंगी। तुम कहीं मेरा दिल तोड़कर चली तो नहीं जाओगी ना? तुम्हारी दाढ़ी चुभती है। क्या हुआ शिंदे भाव, अचानक बुला लिया? हाँ, थोड़ा काम था। अरे जो भी काम था फोन पे ही बोलते तो आते आते निपटा गया था। वो काम तू नहीं कर सकता है, वो काम मैं अपने हाथों से करूंगा। अरे ऐसा कौन सा काम है शिंदे भाव? तो तुझे सच में नहीं पता? अरे क्यों मार रहे हो मुझे, मेरी क्या गलती है वो तो बताओ। 3 लाख रुपए तूने क्लाइंट से उठाए थे ना, वो पैसे तूने मुझे दिए? मेरे उन पैसों से तूने उस बेशर्म लड़की के साथ जाकर अय्याशी की। वो मेरा प्यार है शिंदे भाऊ, उसके बारे में कुछ मत बोलना। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले का हाथ मेरी कॉलर तक पहुंच गया। बहुत अच्छा गिफ्ट मिला मुझे। जब तेरे माँ बाप मरे थे तो तू 15 साल का था। सालों से तुझे मैंने अपने साथ रखा, तुझे प्यार दिया और उसका तूने मुझे अच्छा फल दिया। जब तू प्यार में बर्बाद हो रहा था उस वक्त डांट के समझा के मैंने तुझे सही रास्ता दिखाया, ये मेरी गलती थी। और तूने सिर्फ 3 लाख के लिए मुझे धोखा दिया, मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैंने तुझे अपना माना इसीलिए तुझे मार नहीं रहा। तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो अपन तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। अरे भाई मोबाइल में पैसे नहीं है, कॉल बैक कर। अंकल एक सिगरेट देना, पैसे मैं आपको बाद में देता हूँ। वो क्या है कि मैं पर्स भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, मैं देती हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? होटल में, सुबह से काम के चक्कर में खाना नहीं खा पाया। ओहो, तुम्हें कितनी बार कहा, टाइम पे खाना तो खाया करो। मैं हाथ धो के आता हूँ। अनीता? हाँ? क्या हुआ? तुम कुछ भूल रही हो। नहीं कुछ नहीं भूल रही। कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर तुम्हारे पास है तो। एक हफ्ते से अनीता लापता है, वो कहाँ गई, कैसी है, उसका क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। रूम खाली करके चली गई वो। वैसे उसे गए कितने दिन हुए? उसके गायब होने का कारण पता नहीं चल रहा। कहाँ जाने वाली है कुछ बताया क्या? कुछ कह के नहीं गई। अशोक उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। भाई ये सब शिंदे भाव ने किया था भाई। ए, शिंदे भाव ने कंप्लेन करके मुझे अंदर करवाया था ना, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं, उस अशोक को भी नहीं छोड़ूंगा। दोनों को मार के एरिया पे अपना कब्जा कर लूंगा। उन दोनों की मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है, मेरे हाथों। वो चला गया, उसे जाने दे, अशोक की गाड़ी यहीं खड़ी है, पहले अशोक का काम तमाम करते हैं।
आज की बहनी इसके ही नाम से शुरू करते हैं। गाड़ी चढ़ा दे बुलेट के ऊपर। अबे सामने आ, छुप के क्या वार कर रहा है? जैसे तूने गाड़ी ठोकी वैसे ही ठोकूंगा तुझे। पूरा चार्ज हो गया है, आजा। हथियार है नीचे डाल दो वरना उसी हथियार से ठोक दूंगा। और उसको अशोक
ही एरिया में तेरे ही लोगों के सामने तुझे पीटता हुआ ले जाऊंगा। चल उठ उठ उठ, इन लोगों में से पूछ तेरी कौन मदद करने वाला है। देख देख देख, तुझे मोबाइल से शूट कर रहा है। अबे देख, तेरी धुलाई की कहानी वो अपने दोस्तों को बता रहा है। शिंदे भाव के धंधे के बीच में कभी आया तो काम याद आ गया है, मैं उससे खत्म करके आता हूँ, तुम घर जाओ। ओके बाय। ए अनीता, अपन ने दोपहर में तुमको रोड पे अनीता अनीता करके कितना आवाज दिया, सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं सुनाई दिया। फोन नंबर चेंज कर दिया, रूम भी छोड़ दिया, काम भी छोड़ दिया। अरे तुमको पता है अपन ने तुमको एक हफ्ते से कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे साड़ी में तुम एकदम झकास लग रही हो। अच्छा जिसने तुम्हें ड्रॉप किया वो कौन था? फ्रेंड था? नहीं। कजिन था? नहीं। अरे वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, कजिन नहीं है, तो फिर कौन है वो? उससे शादी करने वाली हूँ। अरे तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही है? मजाक नहीं कर रही मैं। ये तुम क्या कह रही हो? जो सच है वही बोल रही हूँ। गले लग के तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, ये सब झूठ था क्या? तुमसे प्यार क्या, ये सच है। तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने की कसम खाई थी, वो भी सच है। तुम्हारे साथ रहूंगी तो अच्छी जिंदगी मिलेगी सोचा था, लेकिन तुम्हारे हालात इतने खराब हो गए कि तुम खुद रो रहे हो। अगर तुम्हारे साथ मैं रही तो मेरी भी जिंदगी नरक हो जाएगी। ऐसी क्या कमी देखी तूने अपन में? ऐसी कौन सी तकलीफ दी मैंने जो तूने अपन का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया? तुमने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया इसका हिसाब तुम्हें मुझे देने की जरूरत नहीं है। सच क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है। ऐसी कौन सी सच्चाई पता चल गई तुझे जो तूने बिना बोले अपन की लाइफ से कल्टी मार ली? हां मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं है और ना ही कोई बैकग्राउंड। तुम्हें सिगरेट पीने के लिए भी मुझसे पैसे लेने पड़ते हैं। तुम्हें पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, सब चीज के लिए मुझसे पैसे लेने पड़ते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह रोड पे आ जाएगी। अरे तेरे प्यार की वजह से ही अपन ने सारे गलत काम करना छोड़ दिए थे। मैं ईमानदारी के पैसों से अपना घर बसाना चाहता था। अब मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं करने वाली। अनीता मुझ पे भरोसा करो, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। मुझे भी इस तरह से जीने की आदत नहीं है। देखो मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैंने तुम्हारे साथ जीने का सपना देखा है, के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, यकीन करो। क्या काम कर सकते हो तुम बताओ? जाके किसी फैक्ट्री में काम करोगे, नहीं तो MNC या सॉफ्टवेयर में। तुम्हारे नसीब में ये काम नहीं है। क्या तुम कुली बनोगे? तुमसे वो काम भी नहीं होगा। या फिर जाके किसी का सर फोड़ोगे? और मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। तुम ही बताओ आखिर क्या काम कर सकते हो तुम? तुम ही बोलो मैं क्या काम करूँ, किस काम से तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होगी? जिंदगी में खुश रहने के लिए लोग छोटा मोटा काम नहीं करते हैं क्या? हाँ करते हैं, लेकिन सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। जिंदगी में मैं बहुत तकलीफ उठा के यहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पैसों की चमक ने तुझे अंधा बना दिया है, अरे इतना कैसे बदल सकती है तू? ये तुम अपनी आत्मा से पूछो। जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आती है तो उसे संभालने की तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। मेरी ताकत के बारे में बात कर रही है तू? मेरी ताकत के बारे में? मैं किसी से वादा करता हूँ तो निभाता भी हूँ। ये ताकत है मेरी, जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ, यही ताकत है मेरी। बिना सोचे बिना समझे मैंने तुम्हारे प्यार पर यकीन किया, यही सच्चाई है मेरी। लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया, यही सबसे बड़ी भूल थी मेरी। क्या वो लड़का तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता है? हाँ। उसके साथ तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? कहा ना हाँ। अच्छा तो आखिर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर ही लिया है ना? मैं तुझे कितना भी समझाऊं तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी ना? तो चली जा यहां से, चली जा। अनीता प्लीज अनीता छोड़ के मत जाओ। अनीता मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशियां ले आऊंगा। मेरी बात मान लो अनीता, मेरा यकीन करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। सब हमें ही देख रहे हैं, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो।
इन लोगों को छोड़ो अनीता, पैदा होने के बाद देखते हैं, मरने के बाद देखते हैं, खुशी हुई तो देखते हैं, गम हुआ तो देखते हैं, मगर तुम्हारे अलावा मुझे संभालने वाला कोई नहीं। क्यों पब्लिक में तमाशा कर रहे हो तुम? रोड पे मुझे बेइज्जत मत करो। तुम्हारी इज्जत नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो है ना। सॉरी मैडम, सॉरी। आपको आपकी इज्जत बहुत प्यारी है ना, तो जा सकती है आप जा सकती है मैडम। जा जा, चल दफा हो जा, पलट के मत देखना। तुझे याद भी नहीं करूंगा, ना तेरे बारे में सोचूंगा कभी। अरे ये भी भूल जाऊंगा कि तू कभी मेरी जिंदगी में आई थी। यादों से निकाल दूंगा तुझे। जाते जाते मेरी एक और बात सुन ले। तुम्हें कितनी बार कहूं कि मेरे पीछे मत आओ? मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। अरे जब तू मुझे छोड़ के जा ही रही है ना, तो सोचा कि तुझे एक बार जी भर के देख लो। देख लिया ना। और जाते जाते मेरी एक और बात सुन ले। क्या है, जल्दी बोलो। अपुन के प्यार को तूने बिना सोचे समझे ठुकराया है ना। मेरे बॉस के साथ में एक बार ऐसा 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 ही कुछ हुआ था। ये बात है 1998 की। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था चांदनी। जैसे तूने मुझे धोखा दिया वैसे ही उसने उसको धोखा दिया था। आज सेम सिचुएशन मेरे सामने रिपीट हो रही है, लेकिन एक ना एक दिन तुझे तेरी गलती का एहसास जरूर होगा। तुझे पैसे चाहिए ना? जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा, निकल यहाँ से। खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने घर जाओ। भगवान, तू अपुन के साथ कौन से जन्म का बदला ले रहा है? ए, पैसे दे, बोला ना बुड्ढी, पैसे दे। ए बुढ़िया, दे पैसे। हाँ सब लोग यही खड़े रहो, चुपचाप खड़े रह के यहाँ सारा तमाशा देख लो। अभी तक तुमने हमारी सड़ी हुई लव स्टोरी देखी, अब माँ बेटे की इमोशनल स्टोरी देख लो। माँ अपने बच्चे को बचपन में दूध पिला के बड़ा करती है, और वही बेटा जब अपनी माँ को दारू के लिए पैसे मांगता है और पीटता है, तो तुम्हारे जैसे लोग चुपचाप खड़े होके तमाशा देखते हैं। उनको माँ पे हाथ उठाता है, माँ हाथ उठाएगा, माँ पे हाथ उठाएगा। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और ये शराब के लिए पैसे मांग रहा है। हाथ जोड़ के माफी मांग और बोल के आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाथ जोड़ के माफी मांग, ऐसी गलती नहीं करेगी। तुझे शर्म नहीं आती? जिस माँ ने तुझे बचपन में पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उस पे हाथ उठा रहा है। 100 बार भी जन्म लेगा तो इसके उपकार नहीं उतार पाएगा तू। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता, भगवान भी नहीं होता, तुझे पता नहीं है। माफी मांग। देख इसे कहते हैं माँ तुझे मार रहा और दर्द उसे हो रहा है। अरे कोई भी सही नहीं है, सब मतलब ही है, सब अपना अपना सोचते हैं। बेटे को माँ की फिक्र नहीं है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड की फिक्र नहीं है। मैं ही बेवकूफ हूँ, किसी पे भी विश्वास कर लेता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के अब बिल्कुल नहीं रह सकती।
काव्या, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारा दिल दुखता है तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं। तुम्हारे पैर 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 में कांटा लगता है तो मेरे दिल में दर्द होता है। तुम आंखें बंद करती हो, मेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। आंखें खोलती हो तो रोशनी आ जाती है। तुम्हें तकलीफ होती है, मेरे दिल की धड़कन रुकती है। हम भले दो जिस्म क्यों ना हो, पर जान हम एक ही है। आई लव यू सो मच रवि। मेरी कितनी अच्छी किस्मत है कि मुझे तुम जैसा लड़का मिला। हर एक जन्म में मुझे तुम ही मिलोगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सुखो या दुखो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे सुख हो या दुख हो, साथ में रहेगी, ये सब बोलने की बातें होती है। तुझे दो फटके मैंने मारे, देख कहाँ भाग रही है वो, देख। अबे ऐसी लड़कियों पे भरोसा नहीं करती, वो दिन में किसी और के साथ होती है और रात में किसी और के साथ, समझा? आप उसके बॉयफ्रेंड हो क्या सर? थू, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो पहले उसके कान के नीचे दो बजाता मैं। अबे जिस दिन तुझे छोड़ के जाएगी ना, पागल होके रोड पे घूमता रहेगा, समझा तू? जब शादी का टाइम आएगा तो बोलेगी कि तू लोफर है और छोड़ के चली जाएगी तुझे। अरे थू है तेरे ऐसे प्यार पर, उसके सपने पूरे करते करते तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझा? और किसी और का हाथ पकड़ के चली जाएगी वो। क्या सर, जोक मारो? ये जोक लग रहा है? मेरे बातें तुझे जोक लग रही है? चल निकल यहाँ से, चल और यहाँ से निकल, निकल। Yes! शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज तेरा बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। अशोक, और क्या चल रहा है लाइफ में? अपन के लाइफ में अपन के लाइफ में जो भी चल रहा था सब कुछ बंद हो गया। जब अपन ने हिसाब किया तो अपन को पता चला कि लाइफ में बस मेरे अपने दोस्त ही बचे, तुम्हारे जैसे दोस्त ही बचे। मेरे भाई तुम ही हो बस। अरे हम तो तेरे साये जैसे हैं भाई। आज जितनी पीनी हो पी जाओ, बिल मैं दूंगा। चिकन चिली, चिकन लॉलीपॉप, एक सीख कबाब और एक तंदूरी भी। मारा क्यों भाई? मैंने कोई गलती की थी क्या? ए अशोक, अशोक, ए बिल ले क्या? ला भाई। एक फुल, एक हाफ, चार बिया, चकना वगना, टेबल कुर्सी मिला के 10,500। है ये कौन सा टेबल है? अरे वही जो अशोक भाई ने तोड़ा था। 10,500। सिगरेट का एक पैकेट देना। मुंबई बात में न्यूज़पेपर है? नहीं क्या? है सर। गुजरात पेपर? नहीं है सर। प्रजा पेपर? वो भी नहीं है सर। मुंबई की पूरी बात सर, मैं पेपर वेपर रखता ही नहीं हूँ तो। ए, एक बात बताता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। महाराष्ट्र में पूरे भारत के लोग आते हैं तो सभी भाषाओं के पेपर तुझे रखने चाहिए, तभी तेरा धंधा चलेगा, समझा? और मराठी पेपर तो तुझे रखना ही चाहिए। तुम लोग बाहर से आके यहाँ काम धंधा करते हो और मराठी पेपर नहीं रखते हो? जिस राज्य में तुम रहते हो उसी राज्य का पेपर रखने में तुम्हें शर्म आती है? महाराष्ट्र का खाना खाते हो, महाराष्ट्र का पानी पीते हो, महाराष्ट्र का पेपर रखने में शर्म आती है तुम्हें?
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो साथ में रहना चाहिए, आपस में प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, समझा? एजे में बात घुसी ना? हाँ समझ गया। चल छुट्टा वापस दे। ये क्या है? किलर है सर। चॉकलेट है क्या? चेंज नहीं था ना इसीलिए चॉकलेट। चॉकलेट देगा तुझे? तुझे हर बात समझानी पड़ेगी क्या? छुट्टा नहीं है तो तू मुझे चॉकलेट देगा? बेवकूफ समझा है मुझे। नहीं सर गलती हो गई सर। दस रुपए दे। अगली बार आऊंगा तो बच्चे पैसे दे दूंगा। चॉकलेट देके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अशोक ज्यादा मत पीना भाई। ए, अरे आराम से पी यार। अरे मैं भी पुराने बातें भूल गया हूँ, तू भी पुरानी बात भूल गया यार। अब घर जाएंगे ना? हाँ सच में कोटा हो गया यार, अब क्यों पीने का, घर जाएंगे और क्या। अरे रिलैक्स होके पी ले, रिलैक्स होके आराम से पी। ठीक है, शिंदे बाबू के पास तू जाता क्यों नहीं अशोक? शिंदे बाबू वो इंसान है जो मेरा भगवान है, शिंदे बाबू ही मेरा मान है, मेरा स्वाभिमान है। लेकिन मैं अगर मेरे मर्जी से वहाँ गया तो मेरा भी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, और वही मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कितना दिन ऐसे चलेगा? अबे ये फिर से चुप हो गया यार। सुनो मैं जरा टॉयलेट से आता हूँ, मेरी बात पीना है? आज के बाद से उसके साथ रहना ही नहीं है। सुपरमैन का बाप उड़ के चला जाऊंगा। सॉरी भाई। प्यार का जवाब दे तो यार प्यार से, जीत जाते बाजी दिल वाले हार के। यार जान ले इतना यार जान ले, हौसलों से मंजिल मिलती है मान ले। दिल तो चाहता है लफड़ा ये बंद करूं, मैं कमीनों से बातें ना चंद करूं। हे प्यार का जवाब दे तू यार प्यार से, जीत जाके बाजी फूल वाले हाथ के। तेरी बातें सुन के मैंने शंकर को छोड़ दिया, इतने झांसे में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry रूपा। रूपा अरे तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है तू रूपा की सीरत से है, उसके सूरत से प्यार करता है। मन की बुरी हो मगर सुंदर चाहिए, नीयत खराब हो मगर मिस इंडिया चाहिए। हाँ तुम लोगों को शरीर से मतलब होता है, दिल से नहीं। अरे तुझे रूपा क्या, तुझे तो चंदा मंदा कोई भी चलेगी, सिर्फ देखने में सुंदर होनी चाहिए, यही तुम्हारी औकात है, और तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। आड़ू ताड़ू ना है दोस्त भाई का, छोड़ू ना पीछा मैं तो हर जाएगा। टक 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 गिरा रे गिरा, टक 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 गिरा, इस भगवे चोले का है फायदा, तोड़ते पाखंडी हर एक वायदा। मानव से रिश्ता मानव की आबरू, तोड़ते लूटते बोल के दखास तू, इनके पाखंड से है जमाना हिला। प्यार का जवाब दे यार प्यार से, जीत जाते बाजी दिल वाले हार के। हमारा अशोक है ना, बहुत ही अच्छा लड़का है।
इनके हाथों रिमोट तबाही का, पाठ पढ़ाते हैं ये तो बुराई का। पैसे की बुलबुल पैसे से फटती, रेशम की डोरी न रेशम से कटती, पर्दाफाश कर दूंगा इसके मुकाम। लेकिन आप लोग अगर ईमानदारी से काम करोगे तो सारे पैसे सरकारी खजाने में जाएंगे और पब्लिक के काम आएंगे। आप शक्ल से ईमानदार लगते हो, आप मुझसे पैसा नहीं लोगे। अगर लेना भी चाहोगे तो मैं कहाँ से दूंगा सर, मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या बात कही है ना सर, मजा आ गया। अरे क्या हुआ मुझे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? शहर की सारी पब्लिक मुझे मेंटल पागल करके पुकार रही है। अरे कितना गिर गया हूँ मैं यार, मेरे तो प्यार की भी कोई इज्जत नहीं करता। अरे मेरे हालात तो इतने बिगड़ गए हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई मोहब्बत नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। क्या था अशोक तू, क्या हो गया अशोक तू? एक टाइम था कि शहर का राजा था तू, और आज देखो ना पैसा है, ना इज्जत है, ना दौलत है, ना कुछ है। थू, फुटपाथ पे बैठ के दारू पी रहा हूँ, फुटपाथ पे। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इस मोड़ पे लेके आएगी, इस मोड़ पे मुझे। मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, ऐसे जिंदगी नहीं जीना चाहता मैं। मेरी जिंदगी का ये मकसद बिल्कुल नहीं था, कुछ और ही मकसद था। ये सब क्या हो गया? ये सब मुझे बदलना पड़ेगा, ये मैं ही बदल सकता हूँ और मैं ही बदलूंगा। मुझे इस हालत में छोड़कर तू खुश नहीं रह सकती। कहाँ है तू, कहाँ है तू? आ सामने आ, सामने आ। हेलो बॉस। ए मुझे देख के हंस क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है तू? अरे तू हंस रहा है इसलिए मैं हंस रहा हूँ। अबे मैं नहीं, तू हंस रहा है। मुझे कोई देख के हंसता है तो मुझे हंसी आती है। अच्छा कोई हंसता है तो तुझे हंसी आती है? हाँ मुझे देख के कोई हंसता है तो मुझे गुस्सा आता है। ए हेलो मिस्टर, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, पीछे जाओ। क्या रे तू मुझे पीछे भेजेगा? तुझे पता है ना कि तू कौन है, तू मेरी परछाई है, समझा ना? और तू मुझे ही बोल रहा है कि कीप डिस्टेंस, पीछे जा, पीछे जा। हेलो 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 बॉस, कूल 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 कूल। क्या रे किसे कूल बोल रहा है तू? हाँ अरे यहाँ मेरे जिंदगी में आग लगी है और तू मुझे कूल कूल बोल रहा है। ए, थोड़ा कम पी भाई, क्या कर रहा है? ए मैं पी रहा हूँ, तुझे क्या? अरे मेरे भाई मैं तेरी परछाई हूँ, तू दारू पिएगा तो मैं टाइट हो जाऊंगा। मैं तेरी वजह से फुटपाथ पे आ गया हूँ, तू ही झेल। अरे क्या किया मैंने, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? अरे भाई तेरी ही वजह से मेरी ये हालत हो गई है, समझा? देख तुझे एक बात समझाता हूँ, तू तेरी लाइफ को आज से स्टार्ट कर सकता है। मेरे ऊपर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, समझा? जीवन में जो भी गलती हुई है उसे सुधारना चाहिए, ना कि और भी कोई गलती करनी चाहिए, समझे? चल 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 बकवास मत कर, अब जो मेरी हालत है वो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता। अरे देखो मैं भी एक राजा की तरह हूँ, एक बहुत बड़ा राजा की तरह हूँ मैं। लेकिन तू अपने हालत का जिम्मेदार तू खुद है। तेरे अंदर का अशोक जिंदा है और उसे वापस ला सकता है तू। भाई जो भी हुआ सब भूल जा और अंदर की बुराई सारी दूर कर दे, सब साफ कर दे तू। तेरे साथ में जो कुछ भी हुआ सब भूल जा। देख तू अपनी जिंदगी बदल सकता है तो अपने आप को बदलता क्यों नहीं तू? बदल डाल अपनी जिंदगी, बदल डाल तू। जिंदगी बहुत बड़ी है। हाँ सही है, भगवान ने मुझे सोचने के लिए दिमाग दिया है। सुख दुख मैंने सब कुछ देखा है, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, इस बात का विश्वास है मुझे। आज के बाद किसी का भी कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे मेरे बारे में सोचना है। एक राजा का जीवन कितना अच्छा होता है उसी तरह मुझे अपना जीवन जीना है। आज तक मैं दूसरों के लिए जिया हूँ, आज के बाद मैं अपने लिए जीऊंगा, सिर्फ अपने लिए। समझ गया, आज के बाद किसी के बारे में नहीं सोचना है अशोका, खुद के बारे में सोचना है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुपर, ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी ना। अरे चिप्स पैकेट कहाँ गया यार? अच्छा यहाँ गिरा है क्या? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाथ छोड़ दे भाई। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? कौन है तू? अरे क्या बताओ बॉस, मैं कौन हूँ मुझे खुद नहीं पता। कंटिन्यू बॉस। तू मुझे डरा रहा है क्या? तुम 7-8 लोग हो और शक्ल से बहुत लोफर लग रहे हो भाई, और अकेली लड़की को छेड़ भी रहे हो। आपके बीच में बोलने से अच्छा है कि मैं अपने जगह पे जाके बैठ जाऊँ, आराम से दारू पी जाता हूँ भाई। तू अकेले ही इतने लोगों को मारेगा क्या? ऐसे घूर क्यों रहा है? धक्का मत मार भाई। अरे धक्का मत मार यार।
बॉडी पूरा शोपीस है, धक्का दोगे तो गिर जाऊंगा यार। अकेला लड़ने चला था, देखो इसे। ऐसा धक्का दिया उठना मुश्किल हो गया यार। खाली धमकी दे रहा था। धक्का मारेगा तो गिर जाऊंगा, ऐसा बोला था ना बॉस। अगर उठ जाऊंगा तो क्या करूंगा, तुमने पूछा नहीं मुझसे। तुम्हारे पास पूछने का टाइम नहीं था और मेरे पास बताने का टाइम नहीं था। अब करके दिखाता हो, चला जा। उसे छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो बच्चा समझ कर मारने आया हो क्या? क्या सोच के आया हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तेरे लोगों को कैसे मारूंगा ये इम्पोर्टेंट है, देख ले। एक को मारा तो क्या हुआ, हम छह लोग अभी बाकी हैं। भाई मैं अभी चार्ज हो गया हूँ, तुम्हारे सात आठ लोगों से कुछ नहीं होने वाला, 20-25 आओगे तो भी चलेगा, ठीक है? ट्राय करना हो तो कर लो, टेंशन मत लेना, तीन लोग तो गिर चुके हैं, कमॉन कमॉन कमॉन। अरे मैं तो मजाक में लड़ रहा हूँ, तुम लोग सीरियस होके मार रहे हो। हाँ स्ट्रांग बॉय, अभी मारूंगा तो सीधा नीचे गिरने का, उठने का नहीं। अबे तेरी तो। नेक्स्ट लोग जो भी आएंगे उन्हें मेरे पंच का सामना करना पड़ेगा, समझ गए ना? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सब लोग गिर गए क्या, मैं अकेला ही खड़ा हूँ। अच्छा तू बचा है क्या डकले, चल आ जा आ जा। लड़की अगर अकेली है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी तो बनती है ना, तुम्हारे जैसे लोगों को तो कुत्ते की तरह पीटना चाहिए। अरे अरे बाप रे, अरे तुझे मारना नहीं आता क्या, मार मुझे। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, गलती हो गई, माफ। हेलो रुको तो, तुम इसके लिए भाग कर आए? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ये सब लोग स्वार्थी हैं, कोई काम के नहीं है, मैं अच्छा रहूं बस, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, बस सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। जहाँ गलत काम हो रहा है उसे ठीक करने के बजाय उसे देखकर मजा लेते हैं, उन सब चीजों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। पर तुम उस कैटेगरी के नहीं हो, मैं तकलीफ में थी तो तुम मेरी हेल्प करने चले आए, वो इतने सारे थे फिर भी तुम उनसे लड़े और मुझे बचा लिया। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी बातें, तुम्हारी फाइट, तुम्हारा एटीट्यूड, मुझे सब कुछ पसंद आया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैडम अगर एक्सीडेंट करोगे तो गाड़ी तेज चलेगी। अरे सॉरी मैडम, मेरा कहने का मतलब है तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैडम एक मराठी गाना सुनाओ आपको। हाँ सुनाओ। Look at my face in the mirror, I wonder what I say. ये मराठी सॉन्ग है क्या? अरे मैडम अपने ऐसे ही सॉन्ग रहते हैं। और एक गाना सुनाओ क्या आपको? हाँ सुनाओ। सैराट झाले रे, सैराट झाले रे, सैराट झाले रे। फनी। ओके तुम्हारा नाम क्या है? अशोक, ओनली अशोक। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आरती। आरती भारती जयंती लीलावती। मेरा बुलेट कोई चोरी कर लिया मैडम। कम। क्या बात है, क्या बात है, बात है। ये कौन है मैडम जिनके फोटो पे हार टंगी है? हाँ वो मेरे हस्बैंड है। आपने उन्हें जहर देके मार दिया क्या? ड्रिंक लोगे? Anywhere, anytime, 24 hours, I'm ready for cheer. Look,
लोग अपने मेहमानों को चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, खाना खाओगे, नाश्ता करोगे ये पूछ के परेशान कर देते हैं मैडम, मगर आपके मेहमान नवाजी बहुत बढ़िया है जो आप मेहमानों को ड्रिंक पिलाती है मैडम, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यू आर रियली ग्रेट मैडम। तुम्हारे मम्मी पापा ऊपर है, रिलेटिव्स बहुत दूर है, कहाँ है? बात ही नहीं करते, छोड़ के चली गई, बिल्कुल नहीं करते। घर? जहाँ बैठ के पीता हो वही मेरा घर बन जाता है। कब तक ऐसे रहोगे तुम? पहले मेरे पास जीने के लिए वजह थी, अब ना ही कोई वजह है और ना ही कोई उम्मीद, ना जीवन में कोई सपना है, ना ही कोई अपना है और ना ही जीवन में कोई लक्ष्य है मैडम। लेकिन मेरा शिंदे भाव अगर मुझे काम पे दोबारा बुला ले तो कुछ हो सकता है मैडम, उसी बात का इंतजार कर रहा हूँ मैं। प्यार में धोखा खाया है बस इतना ही ना? प्यार में धोखा नहीं मिला मैडम, भरोसा तोड़ा है मेरा। मैं भी इन सब से गुजर चुकी हूँ, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है पर मैंने उन सब की परवाह नहीं की। रियल एस्टेट का काम करती हूँ और अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल भी हूँ, किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं। 2 साल के बाद कोई मेरे घर पर आकर मेरे साथ बैठा है, मेरे पास बैठा है, तो वो तुम हो। अब वो तुम्हारा नसीब है या तुम्हारी कैपेबिलिटी? मेरे यहाँ जीने के बहुत से रीजंस हैं, वो कल से तुम्हें पता चल ही जाएगा। तुम्हें रास्ते में जो तंग कर रहा था उसका नाम क्या है? उसका नाम विश्वा है, मेरे ऑफिस में काम करता था, बहुत ही घटिया इंसान था, मुझ पर बुरी नजर रखता था, इसीलिए बेइज्जत करके उसे ऑफिस से निकाल दिया, उसी बात का बदला लेना है उसे। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे मुस्कान से तुम पे कोई भी फिदा हो जाएगा मैडम। तुम फिदा हुए हो ऐसा इनडायरेक्टली कह रहे हो? डायरेक्ट समझ गई हा? तुम्हारा बात करने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें अच्छा लगा ये इनडायरेक्टली बोल रही हो तुम? अगर डायरेक्टली बोलूं तो आई लाइक यू। सेम सेम। मतलब? मतलब कि बोलना बंद और काम शुरू। चलो गाड़ी में बैठो, शिंदे भाव का क्या चल रहा है? क्यों पूछ रहा है भाई? मैं किसी की परवाह नहीं करता, जो मेरे साथ वफादार है उसी के लिए यहाँ पर जगह है, जो यहाँ गलती करता है उसे मार पीट के सही करने की कोशिश करता हूँ, और इसके बाद भी अगर वो सही रास्ते पे नहीं आया तो उसे मार के भगा देता हूँ। तू एक काम कर, शाम को यहाँ आ जा, तुझसे बात करनी है। हाँ, नमस्कार। कैसे हो शिंदे भाव, क्या चल रहा है? पहले से अच्छा हूँ। लेकिन मैं पहले वाला अशोक नहीं हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है, तूने बहुत तरक्की कर ली है, पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। मौसम एक जैसा नहीं रहता है शिंदे भाव, गर्मी सर्दी बरसात जैसे बदलती है वैसा मैं भी बदल गया, देखो कैसे बदल गया हूँ मैं। ये नया जमाने का नया अशोक है, कैसा लग रहा है अशोक? नीचे वही गिरते हैं जो ऊपर देखते हैं। सर पे मेरे बादशाह का मुकुट है मगर तुमको दिखता नहीं है। ये तेरा घमंड बोल रहा है। अरे वो तो रहेगा ही ना। ये अच्छी बात नहीं है। कौन सी बुरी बात है? अरे बचपन से लेकर आज तक तूने 1 रुपया भी अपनी मेहनत से नहीं कमाया। शिंदे भाव मैं तुम्हारी बातें सुनने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं बस ये बताने आया हूँ कि अगर तुम्हें लाइफ में कभी फाइनेंस का प्रॉब्लम पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ये अशोक का वादा है। अगर दुनिया में तेरी कोई मदद नहीं करेगा तो मुझे याद करना, मैं तेरी मदद करूँगा। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। Hi everybody. Hi. आप सबको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना है। He's my partner. Hi. Business partner. Yeah. Hi. Oh, hi. Hey. अशोक ने अपने जीवन का मकसद कुछ और ही बना लिया। उसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट रह गया था, और इन सब का कारण सिर्फ वही है, उसकी बीती हुई जिंदगी, कि वो अय्याशी करके अपनी बुरी यादों से मुक्त हो सकता है। आज अशोक अपनी लाइफ से भी चीज अब अच्छी लगने लगी है। उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई स्थान नहीं है। 5 लाख
अब अशोक को लगने लगा था कि वो पैसों से सब कुछ हासिल कर सकता है और वो बहुत स्वार्थी हो गया था, अहंकारी हो गया था। मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अब वो ऐसा सोचने लगा था। जर्मनी, ऐसे लगा इस डॉलर पे 10 लाख। पैसा 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 पैसा। जयराम, ए जयराम। हेलो, कौन हो तुम? जंपू जयराम के साइड का हो। दिल से स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू, डोंट डिस्टर्बेंस। आपका नाम क्या है? जया। जया। बहुत अच्छा है, कौन सा ब्रांड है ये? ना जेम्स बॉन्ड ब्रांड है, अमेरिका से मंगवाया है। आप ही रख लो। थैंक यू। वेलकम मैडम। तुम्हारी शादी हो गई क्या? आपको बच्चे है क्या? हाँ है। कितने? 3 है। 3 लोगों का? तुम ना बहुत मजाक करते हो। वो क्या है कि मैं ऐसा ही हूँ। पहले मुझे रूम नंबर बताइए, ज्यादा मुझसे रुका नहीं जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे जाओ ना। फर्स्ट फ्लोर, बहुत बढ़िया। अभी ये मुझे दे दो, जैसे ही काम खत्म होता है मैं तुम्हें लाके देता हूँ। तुम बहुत मस्ती करते हो। अच्छा, मतलब तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? ओफो। डोर लॉक करके अपना काम शुरू करना पड़ेगा भाई। अरे कम से कम अपना चेहरा तो दिखाओ। बात नहीं करोगी, बात नहीं सुनोगी तो बात कैसे बनेगी? कुछ तो बोलो यार। डार्लिंग, मुझसे नाराज हो क्या? शर्मा क्यों रही हो? एक बार इधर तो देखो। यही है तेरी लाइफस्टाइल? इसी बात के लिए तूने मुझे छोड़ दिया था क्या? मुझे लगा कि तू तेरी लाइफ किसी अच्छी जगह बिता रही है, मगर ये है तेरी लाइफ। थू! मुझे छोड़ने से पहले तूने कहा था कि तेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो मैं पूरा नहीं कर सकता, और ये तेरे सपने? अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करती तो आज तू इस जगह पे नहीं होती। आज जो तेरी हालत है इसके पीछे तेरा लालच है। तेरे लालच के कारण तू यहाँ पर है। सब कुछ अच्छे से देख लेना। ए, लड़की नहीं मान रही है क्या? मेरी बात सुनो साहब, तुम प्यार से मनाओगे तो ये जरूर मान जाएगी। इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं। ए, इसे बाहर लेके नहीं जा सकते। अगर तुम्हें इतनी ही पसंद है तो कल भी आ जाना, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। ए, मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा वरना तेरा सारा धंधा बंद कर दूंगा, समझी? ए, यहाँ आया है तो पैसे दे, अपना काम कर और निकल यहाँ से। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, अच्छा नहीं होगा। ए, तेरे दिमाग में बात नहीं घुस रही क्या? चाहता है कि तू एक जो इसकी हालत हुई ना वही तेरी हालत कर दूंगा, समझा? 3 लाख में खरीद के लाई हूँ मैं। ले पकड़। आइए मैडम, क्या ऑर्डर करूँ आपके लिए? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम्हें भूख लगी है ये तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। ज्यादा नाटक मत करो, भूखा रहने से कुछ नहीं होने वाला है, चुपचाप खाना खा लो, समझी? नमस्कार साहब, बहुत दिन बाद आए आप। आज के बाद आता रहूंगा। क्या लाऊं सर? मैडम के लिए एक डोसा लाना बटर वाला, मेरे लिए एक एप्पल जूस, जूस में थोड़ा आइस ज्यादा डालना, गर्मी की वजह से दिमाग गर्म है। जाओ जल्दी लेके आओ। जाओ जाओ। खाने पीने पे गुस्सा मत उतारो, खाना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर खाना नहीं खाओगे तो सेहत खराब हो जाएगी, समझी? और उतना ही जरूरी होता है पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, ना तुम्हारे दोस्त पहचानेंगे, ना तुम्हें माँ पहचानेंगे, ना तुम्हें बाप पहचानेगा। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। ये लो आपका ऑर्डर। हाँ मैडम। तुम मुझे तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, खाओ।
बटर डोसा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा ही होगा, मुझे पता है, आराम से आराम से आराम से खाओ। अगर चाहिए तो और मंगा लेंगे, क्यों अच्छा है ना, टेंशन मत लो। ए मैडम के लिए पानी की बोतल ले आओ। मेहनत की कमाई का खाना बहुत मीठा लगता है ना मैडम। मेहनत का पैसा है, खाना वेस्ट मत करना। अगर खाना बचाया तो तुम्हारे कान के नीचे बजाऊंगा। ए चलो खाओ। पैसा हो या ना हो, हमको क्या करना है, हम तो स्टाइल में जिएंगे भाई। डिंग डिंग, मैडम। हाय, ये कौन है? ये दीप्ति है मैडम, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, वैसे कजिन लगती है मेरी। इसके माँ बाप नहीं है, रिश्तेदार भी कोई नहीं है, तो मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ मैडम। मैंने सोचा कि इसके पास जॉब नहीं है, घर नहीं है, तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ में रह लेंगी मैडम ये। और वैसे भी शहर में अकेली लड़की का क्या हाल होता है आपको तो पता ही है ना मैडम। तुम अपने रिलेटिव्स को और जानने वालों को इतनी इज्जत देते हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। माँ बाप के बिना जीना लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, ये यहाँ रह सकती है। ये हुई ना बात, आप मेरे दिल की बात समझती हो मैडम। पहले क्या काम करती थी? वो कॉल सेंटर में काम करती थी मैडम। वैसे लड़की अच्छी है, टेंशन नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है मैडम। आज का स्पेशल क्या है पता है? आप ही बताओ, मुझे कुछ नहीं पता मैडम। तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी। आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप इतना सादा सिंपल खाना खाती होगी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे मम्मी पापा एक वक्त के खाने के लिए कितनी मेहनत करते थे। क्या बात है मैडम, आप तो ग्रेट हो, आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं मैडम। कुछ लोग तो अपने पुराने दिन भूलते ही नहीं है, और कुछ लोग है कि पुराने दिन भूल जाते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए क्या खाने के लिए? और बोलो। हाँ सही कहा मैडम के सामने तुम शर्माना मत, वो बहुत अच्छी है। बस बस अब ज्यादा मत बोलो। अरे मैडम मैं सच कह रहा हूँ मैडम। मैडम दो मिनट रुकना, आपके यहाँ पे कुछ लगा है, मैं इसे निकाल देता हूँ। आप क्यों चाय बना रही हो मैडम? घर में इतने सारे नौकर हैं, फिर भी आप खुद हमारे लिए चाय बनाती है, ऐसा क्यों मैडम? मुझे चाय कॉफी खुद बनाकर पीना ही पसंद है। सुपर मैडम, क्या बात है मैडम। अगर लोगों के पास थोड़ा सा भी पैसा आए ना तो लोग काम करना छोड़ देते हैं, मगर आप तो ऐसी है ना मैडम कि खुद अपना काम खुद करती है आप। आप मेरी जान हो मैडम, आप मेरा प्यार हो मैडम। अरे आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैडम। आई लव यू मैडम, आई लव यू। आपके बिना जीना सोच भी नहीं सकता हूँ मैं, ऐसा हुआ तो मर जाऊंगा मैडम। अशोक, what are you trying to do? You naughty? अशोक। यस डार्लिंग। तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना। इसे जरा पकड़ना प्लीज। इसके मन में क्या है, ये क्या बोलने वाली है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आईएएस की एग्जाम पास करना बहुत आसान है, लेकिन लड़कियों का जवाब देना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अब देखते हैं ये क्या पूछती है। हाँ तो मैडम चलो पूछो, क्या पूछना है आपको? जब तुम मुझे इतने प्यार से देखा करते हो तो उस लड़की को कितने प्यार से देखते होंगे, वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? उसके पीछे एक ही कारण है, वो है पैसा। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, उसे पैसा चाहिए था, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मैडम, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। ए दीप्ति, अरे यहाँ आओ। उस दिन मैं उसके हाथ पैर जोड़ रहा था कि मुझे छोड़ के मत जा, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। दीप्ति उस बात की गवाह है। हे दीप्ति, उस दिन क्या हुआ था जरा बताओ बताओ। मैडम उस दिन जो भी हुआ दीप्ति के सामने हुआ, दीप्ति ने सारी बातें हमारी सुनी है, सारी बातें हमारी देखी है, बता दीप्ति। मैडम वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पूरी सिचुएशन समझाता हूँ उस दिन क्या हुआ था। दीप्ति यहाँ आओ, जरा हम बताते हैं। इधर आओ, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, यहाँ नहीं, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो। हाँ
वो ऐसे 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 ही खड़ी थी मैडम। रात के करीब 8 बजे थे मैडम, मैं उसके पास गया। हे अनीता अनीता अनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। नहीं सुनाई दिया। तुमने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, अपनी रूम छोड़ दी, अपना जॉब छोड़ दिया, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के कितना परेशान हो गया। वो जो गाड़ी में तुम्हें छोड़ के गया वो तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं। कजिन है? नहीं। कजिन नहीं, दोस्त नहीं, तो कौन है फिर वो? कौन है वो? उससे शादी करने वाली हूँ। तो तुम गले लग के मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, वो सब नाटक था क्या? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। देखो अगर ऐसा करोगी तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं है और ना ही कोई बैकग्राउंड। तुम्हें सिगरेट पीने के लिए भी मुझसे पैसे लेने पड़ते हैं। तुम्हें पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, सब चीज के लिए मुझसे पैसे लेने पड़ते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह रोड पे आ जाएगी। अरे अनीता अभी टाइम सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी टाइम खराब ही रहेगा अपना। अब मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं करने वाली। पागल जैसी बात मत करो। ये तुम अपनी आत्मा से पूछो। जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आती है तो उसे संभालने की तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। मेरे हिम्मत की बात कर रही हो तुम? मेरी हिम्मत की? मेरी हिम्मत ही मेरी मेहनत है, और जो बात मेरे दिल में है वही मेरी जुबान पे भी है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और वही मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुमसे प्यार करने की शायद यही मेरी सजा है। उससे शादी करके तो खुश रहेगी क्या? हाँ रहूंगी। अनीता मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनीता मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ। क्यों पब्लिक में तमाशा कर रहे हो तुम? रोड पे मुझे बेइज्जत मत करो। तुम्हारी इज्जत नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो है ना। जिस दिन तूने मुझे धोखा दिया उस दिन मैंने तुझे एक बात बोली थी। वो बात मैंने क्या बोली थी याद है तुझे? उस दिन तू मुझे रोड पे रोता हुआ छोड़ के चली गई, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था याद है ना? ए, क्यों मारा उस बेचारी को? अरे रे सॉरी मैडम, वो क्या है कि सीन में इन्वॉल्व हो गया था, बाद बाद में पता ही नहीं चला और उस पे मैंने हाथ भी उठा दिया। क्या सॉरी, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? विस्के के साथ सूरज है और आइस के साथ चांद है। मैडम 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 मैडम, दीप्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई पता है क्या? वो सुबह ही कहीं चली गई। सुबह से चली गई, अब तक आई नहीं। मैडम आपको बता के गई क्या? मैडम कुछ बताया होगा ना उसने? मुझे नहीं पता। हाँ हाँ ठीक है मैडम, चलो खाना खाते हैं। ओह मैंने खा लिया है। मैडम ने मुझे छोड़ के खाना खा लिया। मैडम आज बहुत गर्मी है ना? देखो मुझसे बात भी मत करो और यहाँ बैठो भी मत, जाओ यहाँ से। क्या हुआ मैडम, ऐसी बात कर रही हो तुम? एक बार कहा तो समझ में नहीं आता तुम्हें, जाओ यहाँ से। ओके 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 मैडम। हार्ट प्लस हार्ट टू इज इक्वल टू हीट, सेहत के लिए ठीक नहीं है। टेंशन मत लो, खुशी से रहो, ये मत करो वो मत करो, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है। गुड नाइट। मैडम आज हमारी थोड़ा गुस्से में है इसलिए बात नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, चलो खाना खा के सो जाते हैं। फिर शुरू हुई प्यार और नफरत की जंग। हे नीचे उतर।
क्या हुआ? घर छोड़ के क्यों आई तुम? हाँ क्या हुआ? घर अच्छा नहीं था क्या? जिस लड़की को बड़े से बंगले में रहना था उस लड़की को बड़ा सा बंगला पसंद नहीं आया क्या? बताओ क्यों? अरे कितना घमंड है तुझ में। हाँ ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ तुझे जो चाहिए वही तो सब है। 5 स्टार में खाना, गाड़ी में घूमना, बंगले में रहना, यही सब चाहिए था ना तुझे? जैसा तूने सोचा था वही सब कुछ रॉयल है मेरे पास। मैडम का मेरा प्यार देख के जलने लगी। हाँ अरे तू भी तो मेरा प्यार छोड़ के किसी और के पास चली गई थी। हाँ कितना दर्द हुआ होगा, कभी सोचा मेरे बारे में कितना दर्द होता है पता चला अभी तुझे? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा था भूल गई तुम? मैंने तुमसे बिना स्वार्थ के सच्चा प्यार किया और तुमने तो मेरे प्यार की समाधि ही बना डाली। हाँ मुझे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वहाँ जाके नए नए मर्द ढूंढ रही है। हाँ मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जो चाहे बोलो। तुम्हें क्या लगता है ऐसी जिंदगी जीने में मुझे बहुत मजा आता है? एक बात जान लो, तुम अगर मेरी जगह पे होते तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। ये सही है कि सच्ची बातें हमेशा लोगों को कड़वी लगती है। तुमने अपने उस मैडम से शादी की है, मंगलसूत्र बांधा है, कोर्ट मैरिज किया है, वो तुमसे कितने साल बड़ी है पता है? तुमने उसे नहीं रखा। सच कहा तो गुस्सा आया, और जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम हाथ उठाते हो, है ना? अगर मैं गलत काम कर रही हूँ तो तुम भी तो गलत ही काम कर रहे हो ना? ए, उस दिन जब छोड़ के गई तो क्या कहा था पता है? तुम्हारे पास पैसा नहीं, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, देखो मैंने जीना सीख लिया है। हाँ हाँ जी सकते हो, लड़के हो ना, समाज में लड़कों पे उंगली जल्दी नहीं उठती है। तुम लोगों को लड़कियों से ज्यादा फ्रीडम है, तुम जहाँ चाहे सो सकते हो, खुले मैदान में भी, लेकिन हम लड़के ऐसा नहीं कर सकती। रात के 9 बजे के बाद बस के लिए खड़े रहो तो लोग गलत मतलब निकालते हैं। मेरे बारे में कितना जानते हो, क्या जानते हो? मुझे छोड़ दिया ऐसी रट लगाए रखे हो। मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हूँ ये सोच के कई बार मरने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जी रही हूँ, तुम्हें पता है क्यों? बोलो बोलो जो भी बोलना है आज बोल दो। तुम्हें मजाक लग रहा है? इस देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके घर जब लड़की का जन्म होता है तो वो उसे मार देते हैं। जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई उस वक्त मैं 14 साल की थी। उस वक्त मुझ पे क्या बीती तुम्हें पता है? मम्मी पापा का साथ नहीं था और लोग मुझे गंदी नजरों से देखते थे। वो दर्द तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। तुमने अपनी जिंदगी कभी किसी आश्रम या हॉस्टल में बिताई है क्या? स्कूल या कॉलेज में अगर नंबर कम आए तो टीचर क्या सजा देते हैं पता है तुम्हें? जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से वापस लौटते समय कैसे कैसे लोग मिलते हैं और मुझे गंदी नजरों से देखते हैं पता है तुम्हें? ये सब मैं तुम्हें बताने वाली नहीं थी। तुमसे मिलने से पहले कहीं भी रह लेती थी, भूखे सो जाती थी मैं। इस समाज में एक लड़की को ऐसे डर डर के रहना पड़ता है। मैं बदला लेना चाहती थी, बदला उन दुखों का जो अब तक मैंने सहे हैं। मैं रॉयल जिंदगी नहीं चाहती थी, लेकिन वो जिंदगी भी नहीं चाहती थी जो मैं जी रही थी। जब मैं तुमसे मिली तो मुझमें हिम्मत आई, लेकिन तुमने तो मेरी सोच को ही गलत साबित कर दिया। तब मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के चली गई। फिर मेरी जिंदगी में योगेश आया, उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी, पर उसने मुझे यूज किया। मैं उस पे भरोसा करती थी, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया और पैसों की लालच में उसने मुझे कोठे पे ले जाके बेच दिया। तुम्हें क्या लगता है ऐसी जगह पे मैं खुद जाऊंगी? मेरे साथ ये सब होगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, और ऐसा सोचना गलत है क्या? दुनिया में ऐसा कौन है जो अच्छी जिंदगी नहीं चाहता है? और अगर मैंने ऐसा चाहा तो इसमें गलत क्या है तुम बताओ? और अब शुरू होता है दोस्ती और दुश्मनी का संघर्ष। अशोक रामदास देसाई, गाड़ी से यहाँ तक आ सकता था, लेकिन मेरे को तेरी एक पुरानी एंट्री याद आ गई, इसलिए अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर तेरे पास चल कर आया हूँ। याद है तू अपनी बुलेट खड़ी करके मेरे पास चल कर आया था? बच्चा लोग, फूल अगरबत्ती माला चढ़ाकर जरा इनकी सेवा कर दो। मेरी अगर सेवा करोगे तो सबकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी, समझ लो भाई लोग। मैंने बोला था ना तुम लोगों को, अपना अशोक डायलॉग बोलने में, फाइट करने में सबसे आगे है। एक्चुअली मेरे को इसे 6 महीने पहले मिलना था, लेकिन बेल नहीं मिली, इस वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आज पूरी बारात के साथ आया हूँ स्वागत के लिए। तैयारी में थोड़ी कमी हो तो
सॉरी फॉर दैट। अच्छी बात है मुद्दू की 6 महीने बाद मिला, नहीं तो 6 महीने जिंदगी कम हो जाती तेरी। गौतम 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 शांति शांति, बहुत दिनों के बाद हम मिले, थोड़ा आराम से बात करने दे, शांति रख। साथ में स्वर्ग की एक परी भी है, ऐसा लग रहा है इंद्र ने रेगिस्तान में सभा लगाई हो और हम असुर के रूप में यहाँ पर इनको डिस्टर्ब करने के लिए आ गए। तो अब लड़ाई अकेले करोगे या इस अप्सरा के साथ? तो हीरो हीरोइन को ले जाएगा, कार में बिठा के आएगा, सेफ्टी सीट बेल्ट भी लगा देना भाई, बहुत मजा आएगा आज। देखते हैं, आजा भाई आजा 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 हीरो हीरो। कॉम्प्रोमाइज करने का तेरे पास ये आखिरी मौका है मुत्थू। ओ, तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है तू? हाँ, देख मेरे भाई को क्या हालत की है तूने इसे मारकर, 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा है, इतनी हड्डियाँ तोड़ी है तूने इसकी, और तू बोलता है कॉम्प्रोमाइज करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा मेरे से? जब तक तेरी जान नहीं निकल जाएगी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मेरे। आत्मा की शांति के लिए तू अपनी मौत को दावा दे रहा है मुत्थू, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि तू अपने पैरों पे जाएगा या इनके कंधों पे। पता किसे चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, पहले बोनी मैं करता हूँ बाद में देखते हैं। ये ले। देख लिया ना मुत्थू, इनके ही भरोसे आया था ना तू यहाँ पे, यही बोला था ना उन्होंने कि जब तक ये मरेगा नहीं हम तेरा साथ देंगे, ये सब यही बोल रहे थे ना। तुम यहाँ कुत्ते की तरह मार खा रहे हो और वो सब भाग रहे हैं, ऐसे लोगों को साथ में लेके क्यों आए तुम? हाँ, तुम्हारे पीछे ये लोग थे इसलिए तुम मुझसे अकड़ से बात कर रहे थे, है ना? तुमने जो जोश में अपना होश खोया, अपनी इज्जत खोई, मुझसे मार खाया और अपनी नाक कटाई, मुझे लगता है कि तुम्हारी अकड़ चली गई होगी। तुमने मुझसे झगड़ा किया, मुझसे दुश्मनी बढ़ाई, इसके बदले तुम्हें क्या मिला? मुत्थू मेरे भाई, तेरी चाल तुझ पे ही भारी पड़ गई। हाँ, इतनी नफरत दिल में रख के तू क्या पालेगा? हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब खो देगा। जिंदगी में आगे क्या क्या खोएगा इसका एग्जाम्पल तेरे सामने है। अरे मुझे पता है कि तुझमें बहुत पावर है, मगर तेरी पावर का इस्तेमाल किसी को तकलीफ देने के लिए मत कर। अगर तू दुश्मनी करेगा तो बदले में तुझे दुश्मनी ही मिलेगी। सुबह उठ के अपने दिल पर हाथ रखना और देखना कि तेरी धड़कन चल रही है या नहीं, और अगर चल रही है तो तूने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। अरे क्या भाई, तुम कैसे दोस्त लोग हो? हाँ, अरे लोग दोस्ती में जान दे देते हैं और तुम हो कि मैदान छोड़कर भाग गए। हाँ, अरे बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। हाँ, चलो लेके जाओ अपने बॉस को। अपने दोस्त को ही लेके जाना, अपना गुस्सा और अपना अहंकार यही छोड़ के जाना और इंसान बन जाओ, समझे?
के लिए मुझे माफ कर दो। तुमने जो कहा था सच कहा था। इस समाज में एक लड़का किसी भी तरह से जी सकता है, अपाहिज बनके जी सकता है, लावारिस बनके जी सकता है, मगर इस तरह से लड़की नहीं जी सकती। इन्हीं सारी बातों से मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया। तुमसे मिलने के बाद मुझे जीने का मकसद मिला। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसका यह मानना था कि मैं उसके सोसाइटी के लायक नहीं हूँ। लेकिन उसके जाने के बाद मैं किस हद तक बुरा इंसान बन गया था मुझे भी नहीं पता। तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, यही सुनता था। मैं भूल गया था कि मेरी ही वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन हो तुम लोग? बॉडी से खून निकल रहा है फिर भी तेरी अकड़ कम नहीं हो रही है। किस बात पे अकड़ रहा है तू? मेरे अंदर के शेर को मत जगाओ। बस जितना मारा उतना काफी हो गया। चाकू से मारेगा तो भी मरूंगा और नहीं मारेगा तो भी मरूंगा, मगर बिना कुछ किए मरूंगा तो मुझे बहुत पछतावा होगा। अरे क्यों मार रहे हो मुझे? तुम में से किसी को जानता भी नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी शक्ल याद आ रही है मुझे। कंफ्यूज होके मरना नहीं चाहता हूँ मैं। तुम लोग कौन हो मुझे बता तो दो। अब मेरे दिमाग की बत्ती जली। एक गलती के लिए मैं एक ही बार नहीं मरूंगा। तुम लोग मुझे अधमरा करके छोड़ दोगे तो मैं यहाँ पड़े पड़े पस्ता पस्ता के मरूंगा। मुझे छोड़ दो। मरने से पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो बॉस। मरने से पहले केबी से खेलना चाहता है तू? चल पूछ ले अपना सवाल। तेरे गले के पट्टे की कीमत कितनी है वे? 1,00,000 रुपए। 25 साल के वफादारी के बाद तुझे सिर्फ 1,00,000 रुपए का पट्टा मिला हा? 1,00,000 रुपए के लिए तुम किसी मासूम की जान लेते हो और उन्हीं पैसों से मजे लूटते हो हा? कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे? पैसों के लिए हर दिन तुम बेगुनाह की जान लोगे क्या? सामने जो गाड़ी खड़ी है वो 50,00,000 की है। उसके हाथ में जो डायमंड वॉच है वो 15,00,000 की है। उसके गले में जो हार है वो कम से कम 15,00,000 का है। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे साथ भी एक डील की है उसने। उसके कार में रखा 25,00,000 हार्ड कैश। मुझे मारोगे तो 1,00,000, उसे मारोगे तो 1,00,000 मिलेगा तुम्हें। लाख चाहिए या करोड़ चाहिए? करोड़ चाहिए या लाख चाहिए? रुक जा, कहाँ जा रही है? अशोक,
अशोक, I'm sorry. Please, मुझे बचाओ. Hey! ओए, पकड़ो उसे. छोड़ दो मुझे. Please, मुझे छोड़ दो. अशोक, अशोक, please, मुझे बचाओ. रुको, रुको, boss. अशोक, please. मैंने तुम्हारी जान बचाई मैडम, और तुमने मुझे ही मारने के लिए आदमी भेजे. हाँ देखो, मुझे इतना मारा है कि मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें बचा सकूं. मुझ में अब जरा भी ताकत नहीं है मैडम, सॉरी. एंजॉय गाइस. करोड़ का लालची कुत्ता, छोड़ो मुझे. युद्धम हुआ रक्त 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 वा सत्य की विजय हुई भ्रष्टम ब्रह्म नष्ट हुआ अधर्मी का नाश कर न कर्मे विनाश कर महावीरा जीता है युद्धम की रावण मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा बेशरम लड़के निकले तुम. आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? Hey baby, कहाँ हो तुम? What? Hey जानू, कहाँ हो तुम? बहुत दिन हो गए मिले नहीं. Cheater, liar, you just played with my emotion. मैंने तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया, पर तुमने मेरे साथ शोहरत के लिए, पैसों के लिए खिलवाड़ किया. क्यों, क्यों तुमने मेरा मिसयूज किया? मुझे स्वार्थी कहती थी ना तुम, मेरी जिंदगी खत्म करने के पीछे तुम्हारा क्या स्वार्थ है? हा? मैं क्या अपनी मर्जी से तुम्हारे घर आया था? मेरी हाई क्लास जिंदगी बनाने के लिए मैंने तुम्हें कहा था क्या? वो सब तुमने अपनी मर्जी से किया था. मेरे पीछे इतने पैसे तुमने अपने लिए खर्च किए थे. जैसे जैसे पैसे आते हैं वैसे वैसे शौक भी बढ़ जाते हैं. कोई पैसे के लिए जीता है, कोई पैसे के लिए जान लेता है. चाहे जितना भी गहरा संबंध हो, पैसों के आगे टूट ही जाता है. लाख रुपए के लिए मुझे मारने आए, करोड़ रुपए के लिए तुम्हें मारने गए, और ऐसे लोगों पे तुमने विश्वास किया था. तुम भी यहाँ मजबूर हो और अनीता भी यहाँ मजबूर है, लेकिन उसके पास धन दौलत, माँ बाप, भाई बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो अकेली है. उसके पास तुम्हारी तरह धन दौलत तो नहीं है, मगर जीने का एक जज्बा है. यही एक खासियत है उसमें. तुम्हारा जीवन सुखी है. एक लड़की अगर चाहे तो किसी इंसान का जीवन बना भी सकती है और उसे बर्बाद भी कर सकती है. अगर तुम किसी की जिंदगी बना नहीं सकती तो कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद भी मत करो. अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं क्रिमिनल हूँ, बदमाश हूँ, तो तुम गलत सोच रही हो. हर इंसान को जीने का हक है, और मुझे भी.
और वो जो वहाँ जमीन पर पड़ी है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो मेरे जीवन की परछाई है। तुम्हारी तरह वो छोटी छोटी बातों के लिए बुरा नहीं मानती, मेरी जिंदगी के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसी की वजह से जिंदा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मेहनत करके कमाऊंगा। मेरे चेहरे की तरफ देखो मैडम, ये जो मेरा हाल हुआ है ये तुम्हारे लोगों ने ही किया है। मुझे खुद पे हंसी आ रही है कि मैंने अपनी जिंदगी क्या से क्या बना दी। तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि अनीता को मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इसका साथ छोड़ा तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे सही राह पे चलना है। आज तक मैं गलत रास्तों पे चलता रहा, मैं अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे माफ करो, मैं चलता हूँ। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि मेरे पास दौलत है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, और ऐसे लोग मेरे सामने कुछ नहीं है। जो लोग अपने दौलत के नशे में चूर रहते हैं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाऊंगा मैं। उनके अभिमान को और उनके अहंकार को मैं अपने स्वाभिमान के नीचे कुचल दूंगा। याद रखना, ये कोई भाषण नहीं है, वचन है मेरा। प्यार तो सच्चा था, पर मैं ही उसे ना समझ सकी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी, कभी नहीं। अशोक को मुझसे मिले 2 साल हो गए, अब वो कहाँ है मुझे पता नहीं, पर वो जहाँ कहीं भी रहेगा उसी समय उसी जगह पे वो अपना साम्राज्य बना लेगा।